प्रेस करती है और कतेब का सारा रहस्य उनके धाम हृदय में उद्धृत होना शुरू हो जाता है। अब श्री जी ने निर्णय किया कि औरंगजेब बादशाह जो इस्लाम के नाम पर जुल्म सितम ढा रहा है, जिसका एक ही सपना है कि हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम कोई ना हो, सारी दुनिया को हिंदुस्तान इस्लाम के झंडे के नीचे लाना चाहता था और वो भी केवल तलवार के बल से, जबकि कुरान की एक आयत में कहा गया है कि धर्म में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, मेरा धर्म मुझे मुबारक हो। लेकिन कुरान की इस बात को कौन मानता है? इतिहास सच्ची है कि कुरान और बाइबल ज्ञान के द्वारा कम फैले, तलवार के बल से ज्यादा फैले। और चाहे मोहम्मद गोरी हो, महमूद गजनवी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, नादिर शाह हो, तैमूर लंग हो, सिकंदर लोदी हो, सबने तलवार के बल पर खून की होली खेली है। इसलिए क्योंकि हमारा दीन फैले। धर्म क्या कहता है? धर्म तो सारी मानवता के लिए एक होता है। अब जब श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में सत्य का ज्ञान उदित हो गया तो कह रहे हैं कि कहो एक दीन आदम। आदम का अर्थ क्या होता है? सारी मानव जाति का एक धर्म क्या है? हिंदू कहता है मेरा धर्म है सूर्य को पूर्व की तरफ जल चढ़ाना, मुस्लिम कहता है पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ना, क्रिश्चियन कहता है कुछ और उपरास की बातें करेगा। ये सब कुछ कर्मकांड है। मानव के साथ जो जुड़ा हुआ धर्म है वो शाश्वत है, अनादि है। हर मत पंथ के व्यक्ति के लिए सत्य एक होता है। जिस तरह से सारी पृथ्वी को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, उसी तरह से एक ही सत्य धर्म सारी मानव जाति के लिए है। धृति क्षमा दम स्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण है। धैर्य क्षमा इंद्रियों का दमन चोरी न करना, आंतरिक उपाय पवित्रता, इंद्रियों को विषयों में न जाने देना, बुद्धि विद्या सत्य और क्रोध न करना। ये 10 लक्षण जिसके अंदर है वो धार्मिक है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं किसी ने भगवे कपड़े पहन लिए, किसी ने जटा जूट बना लिए, किसी ने सिर के बाल मुड़वा लिए, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने क्रॉस बांध लिया, कोई प्रतिदिन गिरजाघर जाता हो, कोई डेली मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ता हो और कहता है कि मैं धार्मिक हूं। लेकिन धर्म के 10 लक्षण यदि उसके अंदर नहीं है तो किसी भी स्थिति में वो धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। अब श्री जी
ने निर्णय लिया कि चलकर औरंगजेब बादशाह को समझाना है कि बादशाह कुरान में कहां लिखा है कि तलवार से मार मार कर तुम हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार कराओ। औरंगजेब बादशाह के बारे में कहा जाता है, वैसे तो सावा मन की बात कही जाती है लेकिन ये सावा मन नहीं है, सावा शेर हो सकता है। उसकी धारणा थी कि जब तक इतने मुसलमानों को इतने लगभग सवा किलो वजन के बराबर जनेऊ न उतारा जाए तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कितनी कठोर धारणा, चाहे तलवार के बल से हो चाहे कुछ भी हो। और उस समय हिंदू जाति असहाय बनी हुई थी। जिस समाज का एक परमात्मा नहीं होता वो समाज कहां जाएगा। हिंदू समाज के साथ यही अभिशाप जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज एक परमात्मा की छत्र छाया के नीचे एकत्र था, क्रिश्चियन समाज आज भी एक परमात्मा की छत्र छाया के नीचे एकत्र है, और हिंदू समाज जिसको देखो उसके अनेक परमात्मा बने हुए। कोई भगवान राम का भक्त है राम को बड़ा कहेगा, शिव का भक्त शिव को बड़ा कहेगा, विष्णु का भक्त विष्णु को बड़ा कहेगा, देवी का भक्त देवी को बड़ा कहेगा, और सारे भक्त ये कहेंगे कि हमारे इष्ट बड़े हैं। और पुराणों में एक दूसरे के खिलाफ निंदा लिख रखी है। शिव का भक्त कहता है जो विष्णु का नाम लेता है वो नरक में जाएगा, विष्णु को मानने वाला कहता है जो शिवलिंग की पूजा करता है वो नरक में जाएगा, देवी को किसी ने बड़ा बना दिया तो ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव तो सभी देवी के दास हैं। एक दूसरे की निंदा में ही सारी ऊर्जा लगा रखी है। जो विष्णु का एक वाक्य था एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है उसके समान दूसरा कोई नहीं। वेद के उपनिषद के दर्शन के कथनों को हिंदू समाज ने नकार दिया और पौराणिक मान्यताओं में लग करके झगड़ा मचाने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ चेतन परमात्मा की उपासना छूट गई और उसका स्थान ले लिया ईंटों और पत्थरों वृक्षों और पहाड़ों पेड़ पौधों की पूजा ने। मैं पन्ना जी से आगे एक सुदीक्षण मणि का स्थान पड़ता है लगभग 20 किलोमीटर दूर, वहां गया था। आज से लगभग 20 साल पुरानी बात है, वहां 108 मंदिर बने हैं जंगल के अंदर। कुछ मंदिर तो ठीक थे, कुछ में मूर्तियां रखी थी, कुछ में तो पत्थरों के टुकड़े रख दिए गए। या तो पत्थरों के टुकड़ों का कोई आकार हो, शालिग्राम हो शिवलिंग हो तब तो माना जाए, लेकिन 108 संख्या पूरी करने के नाम पर छोटी छोटी घुमटियां बना दी गई थी और उनमें पत्थरों के टुकड़े रखे गए थे। पूछा जाए क्या यही परमात्मा है। परमात्मा जो हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियों को एक पल में उत्पन्न करता है, इस सृष्टि में असंख्य सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र ग्रह उपग्रह सभी उत्पन्न हो रहे हैं, पानी के बुलबुले की तरह डूब रहे हैं। उस परमात्मा को हमने एक पत्थर के टुकड़े में परिवर्तित कर दिया, एक वृक्ष के रूप में देख लिया, एक पौधे के रूप में देख लिया, इसकी जड़ में क्या है अजंत। यदि हिंदू समाज वेद पर चल रहा होता तो ये 2-3 नहीं देखने पड़े होते। और औरंगजेब यही चाह रहा था कि सारी दुनिया में एक इस्लाम का झंडा फहरा दो, क्योंकि हिंदू बुद्ध परस्ती होते हैं। सच पूछा जाए तो बुद्ध परस्ती तो सारी दुनिया है। यीशु के क्रास को सर्वोपरि मानना और यीशु पर मरियम और ईसा की मूर्ति बनाना ये भी बुद्ध परस्ती है। जो मजारों पर जाकर मत्था टेकते हैं चादरें चढ़ाते हैं वो भी बुद्ध परस्ती है। हिंदू भी बुद्ध परस्ती है, मुस्लिम भी बुद्ध परस्ती है, क्रिश्चियन भी बुद्ध परस्ती है, बुद्धिस्ट और जैन तो हैं। जो परमात्मा अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है उसको एक मानवीय धरातल पर नहीं गढ़ा जा सकता। वेद ने कहा है वेदमितम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णा तमस परस्तात, जो तमस से परे है प्रकृति के अंधकार से परे है, अनंत सूर्यों के समान उस परमात्मा को ही मैं जानूं, जिसको जानने के बाद तमेव विदित्वा मृत्युमेत नान्या पंथा विदते न। उस परमात्मा को जानने के बाद ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। हिंदू समाज वेद के इस कथन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे किसी भी पंथ का कोई आचार्य क्यों न हो। वेद को मानेंगे लेकिन वेद का कथन नहीं मानेंगे। यही भ्रांति हिंदू समाज को लेट हुई है। अभी हरिद्वार का संस्थार्थ आएगा, उसमें इस पर प्रकाश डाला जाएगा कि वास्तव में हिंदू समाज कितना भटका है। 70% जो कुछ हो रहा है वेदों से उल्टा हो रहा है आजकल। अब श्री जी औरंगजेब को समझाने के लिए सब सुंदर साथ के साथ मिलते से प्रस्थान करते हैं।
आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और चारों ओर से भी सुंदर साथ वहां पहुंचना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। मुकुंद दास जी ने सूरत में तारतम लिया था, अभी युवावस्था है, विवाह हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं, श्री जी के स्वरूप की कुछ पहचान हो गई होती है। पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं तो अब घर द्वार छोड़कर श्री जी के चरणों में जा रहा हूं, तुम्हें चलना होगा। पत्नी कहती है अभी तो विवाह हुआ और अभी आप बैरागी होने की बात कहने लगे, ये मेरे से नहीं होगा। मुकुंदास जी कहते हैं यदि तुम मेरे साथ सधर्म ही कहलाकर नहीं चलने को तैयार हो तो मेरा तुम्हारा अंतिम प्रणाम। आज के जमाने में तो फोन भी कर सकते हैं, उस जमाने में तो फोन भी का साधन नहीं था। मुकुंदास जी ने अपनी पत्नी को अंतिम प्रणाम किया और वही आखिरी भेंट रही। इसको कहते हैं ब्रह्मोनी, जो धाम धनी की राह पर सब कुछ छोड़ दे। हम सुंदर साहब तो जरा सी बात पर कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते। न कोई ऑफिस का एक दिन छोड़ सकता है, न कोई व्यवसाय का एक दिन छोड़ सकता है, और उन्होंने तो हाल की ब्याही हुई पत्नी को छोड़ दिया हमें समस्या के लिए कि मैं तो अपने धाम धनी के पास जाऊंगा। और मुकुंदास जी श्री जी के चरणों में दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ आए सुकुमार को, अब श्री जी के पास कई सुंदर साथ आते हैं, लेकिन माया का ऐसा प्रभाव होता है जब डर लगा कि अब तो यहाँ तो औरंगजेब से बात कर रही हैं, तो मौत का साया सबके सिर पर मंडराता रहता है। उन आतंकवादियों को एक मामले में धन्यवाद देना होगा कि वो भ्रमित तो हैं, उनको मालूम है कि हमें मरना होगा, लेकिन अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दूसरों को मार रहे हैं क्रूरता पूर्वक, उनकी राह गलत है, लेकिन उनका त्याग तो प्रशंसनीय है। छोटे छोटे बच्चों को कह दिया जाता है देखो तुम्हें अल्लाह के नाम पर मरना है तो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हिंदू हजार साल से जो गुलाम रहा ये बिल्कुल कायरों की जमात हो चुकी है। वहां औरंगजेब को संदेश देने जाना है तो राज्य के नाम पर तो आते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि कहीं औरंगजेब गर्दन कटवा देता देगा तो पहले भाग छूटते हैं। कोई बिरला होता है जो धर्म की बलिवेदी पर अपने को निछावर करता है। हकीकत राय जैसा त्यागी, गुरु गोविंद सिंह जैसा सर्वस्व अर्पित करने वाला, जिन्होंने अपने चारों बच्चों को धर्म की रक्षा में कुर्बान कर दिया, बंदा वैरागी जैसा जिसके एक एक अंग कट रहे हैं और मुस्कुरा रहा है, जल्लाद भी रो पड़ता है लेकिन बंदा बैरागी की आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। कहते हैं कि बंदा बैरागी कहते हैं कि जल्लाद तो मुझे क्या कर सकता है, मैं तो अखंड आत्मा हूं, तो मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े भले ही कर दे। ऐसा धर्म पर सर्वस्व निछावर करने वाला, अब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को देखिए दीवार में चुने जा रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। सरहिंद का नवाब कहता है कि बच्चों अभी भी अवसर है, तुम एक बार इस्लाम स्वीकार कर लो, अच्छे घराने में तुम्हारा विवाह होगा। दोनों बच्चे कहते हैं कि नवाब साहब एक बार छोड़ कर तो देखो, हम पलटन तैयार कर लेंगे और तब युद्ध के मौके पर हम तलवार से जवाब देंगे कि हम क्या करते हैं। एक ही 11 साल का है, एक 9 साल का है, क्योंकि उनके अंदर एक भावना है त्याज्यम न धैर्यम विदुरे अपकारे, धैर्यात कदाचित स्तम अपने आद सा जाते समुद्रे ही पोत भंगे संयंत्र को वांछित तुर्तमेव। विपत में कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। समुद्र में नौका के डूब जाने के बाद उसमें बैठा हुआ राही अपने दोनों भुजाओं से समुद्र को तैरने का साहस रखता है, इसलिए कभी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। धर्म के लिए प्राण त्यागना हमारे देश की प्राचीन विरासत रही है, लेकिन अब नहीं है। आज तो हिंदू जब धर्म की निंदा करता है तो अपने को गौरवान्वित समझता है, और जितने नेता वोट के लिए केवल हिंदू धर्म को पानी पी पी करके कोसते हैं उनको ये नहीं मालूम किसी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हकीकत राय ने अपने गले में फांदी का फंदा झेला था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, उनकी पत्नी ने अपना देह त्याग कर दिया जब पता चला कि दोनों बच्चों को कैद कर लिया गया है, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया और गुरु
गुरुगोविंद सिंह को भी एक धोखे से दो पठानों ने चिप्स करके वार कर दिया था, जिससे उनका शरीर पूरा हो गया था। इस देश की धर्म और संस्कृति को रक्षा कर को बचाने के लिए कितनों ने हंसते हंसते अपने प्राण खो दिए। अब श्री जी के पास जो सुंदर साथ आते हैं, जिनका ईमान कच्चा होता है, जिन्होंने ये सोचा कि मैं मर जाऊंगा, कौन मरता है, शरीर जन्म कौन लेता है, शरीर जो अंदर की चेतना है वो तो अखंड अविनाशी है। सारे देश को जीवंत बनाए रखा एक छोटी सी गीता ने, जिसमें केवल 700 श्लोक है, और वो 700 श्लोक गीता के दो वेद के दो मंत्रों की व्याख्या मात्र है। अंग्रेजों ने देखा कि ये भारतीय गोली से भी नहीं डरते, क्या कारण है, उन्होंने रस खोजा कि इनको ये ऊर्जा देने वाली गीता है। दुर्भाग्य है कि इस देश में गीता के ज्ञान की अवहेलना की गई, वेद उपनिषदों के ज्ञान को नकारा गया, और किसकी पूजा की गई, पत्थरों की, ईंटों और पत्थरों की। जिस देश में शालिग्राम और तुलसी के पौधे का विवाह हो, केले के पेड़ की पूजा की जाए, पीपल के पेड़ की पूजा की जाए, लेकिन सबको जीवंत बनाए रखने वाले उस अभ्याकृत के स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण के हृदय से अवतरित होने वाले वेदों के ज्ञान की अवहेलना की जाए, भला वो देश और समाज कहां सुरक्षित रह सकता है। जिस देश में कहा जाता है कि यत्र नार्याः तु पूजन्ते रवन्ति तत्र देवता, नारी को पूजनी माना गया, उस देश में नारी और शूद्र के तिरस्कार ने लोगों को क्रिश्चियन और मुस्लिम बनने के लिए विवश किया। जिस देश में भगवान राम ने कहा था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, उस देश का अधोपतन ऐसा हुआ कि मातृभूमि के प्रति धोखा देने वाले मुस्कुराते रहे, चाहे वो मानसिंह हो, चाहे जयसिंह हो, चाहे मीर जाफर हो, चाहे जयचंद हो, और आज भी उनकी एक लंबी फेहरिस्त लगी हुई है। ये किसके कारण हुआ? जब धर्म का प्रकाश नहीं होगा, वास्तविक सत्य का प्रकाश नहीं होगा, मठों और मंदिरों में केवल टन टन पोपू की आवाज आएगी, ज्ञान भक्ति कुछ नहीं होगा, तो यही होगा। देश में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन जनता को सही मार्ग दर्शाने वाले कितने मंदिर हैं? केवल चढ़ावे के स्थान बने हैं मंदिर, जो चढ़ावा चढ़ता है मठाधीश महंत पंडित पुजारी और सरकार, टैक्स लेने वाली सरकार, ये खुशहाल रहते हैं। जनता अपना धन देती है, उस धन का दुरुपयोग होता है। यदि वही धन शिक्षा में लगता तो सारे देश को चेतना मिलती, ये बोध होता हम कौन हैं, आए कहां से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है। आज इस्लाम के झंडे के नीचे सारा इस्लामिक जगत एक है। 15 साल का बच्चा अपने शरीर में बम बांध कर कूद जाता है कि मैं काफिरों को मारूंगा, उसको कुछ मालूम नहीं कि तुझे बकाया गया है, लेकिन उसको अपने अल्लाह पर, अपने रसूल पर, अपने कुरान पर इतना ईमान है। हिंदू को अपने धर्म पर ईमान नहीं है, अधिक बहुसंख्यक हिंदुओं को। कहेगा कि मैं गाय की पूजा करता हूं, लेकिन 200 रुपए के लालच में कसाई के हाथ से गाय की रस्सी लेकर पुलिस से बचा देगा और कहेगा कि ये ले जाओ, 200 रुपये मुझे दे दो। आखिर ये क्यों? जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं रहेगा तो मानो भटका ही भटकेगा ही, और इसी देवभूमि पर तलवार के बल से या तो कुरान स्वीकार करना था या अपनी गर्दन कटवानी थी, औरंगजेब को शिक्षा देनी है। जब अत्याचार बढ़ जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। रब न रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। और इसलिए अक्षरातीत श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में श्री प्राणनाथ के स्वरूप में आए, परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए अब प्रस्थान कर चुके हैं दिल्ली के अंदर। औरंगजेब को सावचेत करना है कि औरंगजेब, जो तूने राह अपनाई है तलवार के बल से सबको धर्मांतरित करने का, ये तुम्हारी राह गलत है। तुमने इस्लाम को समझा नहीं, तुमने कुरान के आदेशों की अवहेलना की है, कुरान के आशय का तुम्हें बोध ही नहीं है। अब यहाँ वार्ता होती है, लालदास जी श्री जी के साथ मिलकर 22 प्रश्नों की बातें बनाते हैं, और उधर से क्या होता है, गोवर्धन दास जी अटक से आ गए होते हैं, श्री जी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन भेंट करने से पहले उर्दू बाजार में गोरीबदास जी मिले हैं, उनसे पता चलता है कि बिठल गौर बिठलपुरी की हवेली में, जो सैयद की हवेली कहलाती है, उसमें श्री जी ठहरे हैं।
वहां से आते हैं श्री जी के चरणों में। दिल्ली में कुछ सुंदर साधक उन्होंने जगाया भी है। वो जिन सुंदर साधक यहाँ ठहरे होते हैं उनको चर्चा के द्वारा जगाते हैं, उनके द्वारा चंचल और दयाराम भी जगाते हैं। गंगाराम की पहली जागनी है, गंगाराम की दुकान में ही उन्होंने डेरा किया था। गंगाराम को प्रबोधते हैं, उसके बाद गंगाराम ने चंचल दासी को जगाया और इस तरह से कई सुंदर साथ को जागृत करके जब प्रातः का वृत्त यानी चितवनी चल रही होती है, परम धाम की चर्चा चल रही होती है, श्री जी के चरणों में आते हैं गुरुधर दास जी और प्रणाम करते हैं। अब 22 प्रश्न तैयार किए जाते हैं कुरान के संबंध में औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए। आसाजीत वकील की भी जागनी हुई होती है। कई सुंदर साथ जो जागृत होते हैं श्री जी की वाणी सुनने के लिए आया करते हैं। दिल्ली में भी वहां अनेक सुंदर साथ का एक समूह इकट्ठा हो जाता है। दिल्ली के कई सुंदर साथ जिसमें चंचल है, दयाराम है। चंचल जी का स्वभाव ये है कि श्री जी की खातिर अपनी दुकान से कुछ सामान भी बिना घर के वालों से पूछे बताए लाए करते हैं। उनकी भावना ये होती है घर वाले तो देने को नहीं, जब मैं घर का सदस्य हूँ मेरी भावना का उपहास ही उड़ाते हैं कि तुम कहाँ ले जा रहे हो, तो मेरा भी अधिकार बनता है। वैसे इसको चोरी कर भी सकते हैं हाँ, लेकिन परिवार के लोगों को भी चाहिए कि यदि परिवार का सदस्य कहीं कुछ भेंट देना चाहता है तो स्वेच्छा से दे, अन्यथा उसकी भावना को तोड़ा नहीं जा सकता, वो तो चुपचाप लाएगा। दयाराम श्री जी के लिए नए नए पकवान और तरह तरह के मेवे लाते हैं। गंगाराम ये सारे सुंदर साथ श्री जी पर समर्पित हो गए हैं। एक सूफी फकीर भी आता है, श्री जी की वाणी को बहुत भाती है उसे। सूफी मत यदि इस्लाम में जितने फिरके हैं उसमें सूफी मत सर्वोपरि है। ये मत इसकी हकीकत की राह को लेकर चलता है। सूफी मत के लोग जो सच्चा सूफी फकीर होगा कभी भी मांस नहीं खाएगा, कभी रोजा नमाज नहीं पढ़ेगा, हज जकात के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो रूहानी बंदगी करते हैं, अल्लाह ताला को मासूक मानते हैं और स्वयं को आसिक मानते हैं। रात्रि के 9 बजे से लेकर प्रातः के 2 बजे तक यानी 5-6 घंटे वो अल्लाह की बंदगी में लगाते हैं। दिन को कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई किसी तरह का दिखावा नहीं करते और हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरता है सच्चे सूफी फकीर में नहीं रह सकती। ये जो निजामुद्दीन औलिया जहां निजामुद्दीन का स्टेशन है ये भी सूफी फकीर थे। पंजाब के अंदर कई सूफी फकीर हो गए हैं, साईं बुल्ले शाह हो गए हैं, बाबा फरीद हो गए हैं। इनमें और मौलवी मुल्लाओं में कोई मेल हो ही नहीं सकता। मौलवी मुल्ला जहां कट्टरता की शिक्षा देते हैं वही सूफी फकीर मानवता की शिक्षा देते हैं कि सब कुछ रब ने बनाया है, किसी से घृणा न करो। एक संस्था है जो श्री राम सत्संग के नाम से प्रसिद्ध है, उस संस्था में योग सिखाया जाता है। ये संस्था शाहजहांपुर के एक महाराज रामचंद्र जी हुए हैं उनके द्वारा चलाई गई है। चतुर्भुज सहाय ने इसको काफी प्रचारित किया है। और जब श्री रामचंद्र जी बचपन में थे एक महात्मा के पास गए, वो महात्मा सूफी फकीर थे लेकिन उनके गुरु हिंदू थे। लेकिन उस फकीर का जो शिष्य था उसने कहा कि देखो तुम हिंदू हो और यदि हमारे गुरु जी से ज्ञान लेना है तो तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। उन्होंने जाकर के भोले पर कहा कि महाराज जी मुझे मुसलमान बना दीजिए। उस फकीर ने कहा कि तुमसे किसने कहा? कहा कि ये आपके शिष्य ने शागिर्द ने कहा है कि मेरे गुरु जी से ज्ञान लेना है तो मुसलमान बनना पड़ेगा। उन्होंने चाकू निकाल कर उसको मारना चाहा कि तुम्हारे अंदर हिंदू मुसलमान की दृष्टि किसने पैदा की? मेरे गुरुजी तो हिंदू रह चुके हैं, मैंने उनसे योग विद्या सीखी है, मेरा शरीर मुसलमान का है। अल्लाह ताला की नजर में तो हिंदू मुसलमान दोनों एक बराबर हैं, एक ही व्यक्ति की दो आंखें हैं। इसलिए कट्टरतावाद जहां से फैल रहा है वो कट्टर मौलवी लोगों की देन है।
जो शरीयत की नजर से सबको देखते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, कलमा नहीं मानेगा, रोजा नहीं रखेगा, उसको इंसान नहीं काफिर मानते हैं। उनकी वे भूल है कि वो सोचते हैं कि इसी को वो धर्म मान लेते हैं। जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है उससे वे मौले मौला को सुदूर रखते हैं। अब आसाजित जो औरंगजेब के दरबार का वकील होता है कहता है कि श्री जी, इन हिंदी में लिखे हुए तथ्यों को तो औरंगजेब सुनेगा ही नहीं। ये औरंगजेब क्या है? प्रातः काल यदि कोई उसकी आंख के सामने सबसे पहले हिंदू आ जाए तो उसको सिर कलम करवा देता है। ये प्रातः को मोह न देखें, आप जो भाई सुनिए बीतक में कैसा दर्शाया गया है, क्योंकि ये बीतक उसी समय लिखी गई है, लिखने वाले हैं लालदास जी के तन से लिखी गई है जो प्रत्यक्षदर्शी है। आजकल इतिहास में काफी फेर बदल कर दिया जाता है। औरंगजेब की महिमा गाई जाती है, अकबर की महिमा गाई जाती है, गुरु तेग बहादुर और महाराणा प्रताप की, शिवाजी की निंदा की जाती है, क्योंकि आज का सारा जमाना ही वोट का है। धर्म क्या कहता है, संस्कृत क्या है, इसकी तरफ किसी भी का ध्यान नहीं होता। एक प्रात को औरंगजेब का नियम था कि प्रातः काल उसकी आंखों के सामने कोई हिंदू नहीं दिखना चाहिए। ए आप कहावत मोमिन, अपने को मोमिन कहलाता है। सो पाते हिंदी की, और वो हिंदी जबान में कुछ भी नहीं सुन सकता कि, क्योंकि क्या उसकी मानसिकता है कि ये काफिरों की जबान है। अभी कुछ समय पहले फतवा जारी हुआ था इंडोनेशिया की तरफ, सिंगापुर की तरफ, कि गैर मुस्लिम को अल्लाह शब्द का उच्चारण करने का अधिकार नहीं। इन मौलवी लोगों से पूछा जाए कि अल्लाह का उच्चारण कर दिया तो क्या गुनाह हो गया, यानी उसका अनुवाद करने का अधिकार नहीं है। यह संकीर्णता कहां से पैदा होती है? अज्ञानता से। जो प्रातः भी, दोपहर को, शाम को, तीनों वक्त जो मांस खाए, देवबंद में जाकर देखिए, वहां के बच्चों को सवेरे, दोपहर, शाम तीनों वक्त मांस खिलाया जाता है, वही कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। वो बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे, सब में वही कट्टरता फैलेंगे। अब जो वकील है आसाजीत कहता है कि श्री जी, इस पत्र को तो औरंगजेब पढ़ेगा ही नहीं, सुनेगा भी नहीं, क्योंकि ये हिंदी भाषा में है और इस तरह की बातों से औरंगजेब से कोई बात नहीं की जा सकती। इस संसार की एक मर्यादा है, इस मर्यादा के अनुसार ही सब कुछ कार्य करना पड़ता है। महामती जी के धाम में देवी अक्षरातीत बैठे हैं लेकिन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, ताकि कोई आश्चर्यजनक वाली बात ज्यादा हो जाती है तो लोग विश्वास नहीं करते। शरीयत है जोरावर, क्योंकि इस समय शरीयत का बल है। हे पूरा मुसलमान, मुसलमानों की सत्ता पूरे हिंदुस्तान पर चल रही है और अपनी शरीयत की दृष्टि से सब कुछ चल रहे हैं। आजकल जो मुस्लिम का कानून है वो औरंगजेब के जमाने में एक व्यक्ति का बनाया हुआ था। वास्तव में कुरान से इतर अपनी काफी मान्यताओं को आज इस्लाम के पर्दे में रख दिया गया है। इस्लाम का नाम देकर अनेक मान्यताएं जो दूसरे धर्म वालों को कुचलने के लिए बनाई गई थी, आज उसको मजहबी रूप दे दिया गया है। परिणाम यह है कि सारे संसार में आतंकवाद का बोलबाला चल रहा है। धर्म कहता है जियो और दूसरों को जीने दो। ये आतंकवादी कहते हैं कि जो हमारा मजहब नहीं मानेगा उसको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। केवल मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन भी कम नहीं है। आप नागालैंड की धरती पर जाकर कहीं प्रचार नहीं कर सकते, चौराहे पर मंच नहीं लगा सकते, अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगा सकते, मेघालय में नहीं लगा सकते, और तो और केरला में भी जाकर खुलेआम आप हिंदू धर्म की यशोगाथा नहीं कर सकते। जहां क्रिश्चियन ज्यादा हो जाता है, जहां मुस्लिम ज्यादा होता है, वहां हिंदू को कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अमेरिका में एक हिंदू प्रचार कर सकता है, क्रिश्चियन बहुल देश में, और देशों में कर सकता है, लेकिन भारत में जहां क्रिश्चियन हो ज्यादा हो जाते हैं, मुस्लिम जहां ज्यादा होते हैं, कट्टरवादी मानसिकता वाले लोगों को खोज करने के लिए सरकार कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। परिणाम ये होता है कि हिंदू समाज अपने ही देश में बेगाने की तरह जीता है। मैं जब नागालैंड गया था वहां यही कहा गया था कि दोपहर को भी
आप खुलेआम नहीं घूम सकते, कोई सुनवाई नहीं यदि कोई आतंकवादी आपको मार देगा तो। अब ये विचार करने लगे। अब श्री जी ने मन में क्या विचार किया? क्यों ये बात सुने सुल्तान कि औरंगजेब से किस तरह से बातचीत की जाए, क्योंकि उस समय एक हिंदू वेशभूषा में धोती कुर्ता पहनकर औरंगजेब से बात करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कोई जगह पकड़ के अब सबने सोचा कि एक ऐसा स्थान किया जाए जहाँ सुरक्षित रह सके और तब वहाँ से औरंगजेब से बातचीत की जाए। ऐसा विचार करके अब श्री जी ने निर्णय किया कि शाहजहानपुर बोड़िया चला जाए। शाहजहानपुर बोड़िया कहाँ पड़ता है? यमुना नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर शाहजहानपुर बोड़िया पड़ता है, वहाँ श्री जी प्रस्थान करते हैं। इसके पहले दिल्ली में एक घटना हो जाती है, सूरत से लक्ष्मीदास जी भी आते हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ, और लक्ष्मीदास जी के घर जाहिरी लीला शुरू हो जाती है। जाहिरी लीला क्या? अक्षरातीत को हंसी की लीला भी करने आते हैं, प्रतिदिन उनके घर प्रकट होने लगे और भोजन करने लगे। लक्ष्मीदास से कहते हैं कि देखो लक्ष्मीदास, ये सब लोग बेकार परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे तन से आठवें दिन मैं औरंगजेब की आत्मा को जगा दूंगा। अब लक्ष्मीदास जी भागे भागे श्री जी के पास आए कि धामधनी, आज राज जी साक्षात प्रकट हुए, दर्शन दिए, भोजन किए और कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुम्हारे ही तन से औरंगजेब की आत्मा को जगाऊंगा, फिर अंतर्धान हो गए। श्री जी कहते हैं कि तो बहुत खुशी की बात है, कोई जो जागने का कार्य करता हो वो मेरे आगे चले, मैं उसके पीछे चलने को तैयार हूं, यदि वो साथ में रहे तो भी मैं उसके साथ चलने को तैयार हूं, यदि वो दोनों कार्य करना नहीं चाहता तो मैं सदगुरु धन श्री देवचंद जी का वास्ता देकर ये बात कहता हूं कि वो मेरे साथ पीछे चले, या तो जो मैं कहता हूं वो करे, नहीं तो यदि जागने कोई भी करे वो मेरे आगे होकर चले, मैं कुछ भी करने के लिए, पीछे चलने के लिए, साथ चलने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि धामधनी, मैं आपके आगे तो नहीं चल सकता लेकिन बराबरी में हो सकता हूं, क्योंकि आखिर राज जी ने मुझे भी तो दर्शन दिया है और मेरे तन से औरंगजेब की आत्मा को जगाने वाले हैं। श्री जी ने कहा कि भाई लक्ष्मीदास जी के लिए आसन दीजिए। श्री जी के बराबर बैठ जाते हैं। श्याम भाई भीम भाई ताना मारते हैं जब प्रणाम करते हैं श्री जी को, तो लक्ष्मीदास जी को भी प्रणाम यह कर करते हैं कि धाम के धनी लक्ष्मीदास जी प्रणाम। जब कई दिन बीत जाते हैं तो लक्ष्मीदास जी को कुछ शर्म महसूस होती है और फिर अलग बैठने लगते हैं। सातवां दिन बीत जाता है, आठवें दिन राज जी फिर प्रकट होते हैं। लक्ष्मीदास जी याद दिलाते हैं कि राज जी आपने वायदा किया था कि आज के दिन औरंगजेब की आत्मा को आप मेरे तन से जगवाएं, अपना वायदा पूरा कीजिए। राज जी ने दर्शन दिया था, तुरंत अंतर्धान हो गए। ऐसी लीला क्यों की? इसलिए सुंदर साध को सावचेत करने के लिए कि भविष्य में कोई साधना चितवनी करके चमत्कार दिखा दे, कोई गादी पर बैठकर लाखों लोगों का समूह अपने साथ कर ले तो मेरी वाणी को इनकार नहीं करना। यदि साक्षात मैं भी प्रकट होकर अपनी कही हुई वाणी के विपरीत कहता हूं तो मेरी बात को झूठी मान लेना, क्योंकि कलश हिंदुस्तानी में कह रखा है, सुख देऊ सुख लेऊ सुखे जगाऊ साथ, इंद्रावती उपमा मैं दई अपनी हाथ, मैंने सारी शोभा जागनी ब्रह्मांड की इंद्रावती को दे रखी है, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लियो, मैंने सारी शोभा ले ली है। अक्षरातीत की मूल मिलान में जो शोभा है वही शोभा महामति जी की इस जागनी ब्रह्मांड में है, और तो और उससे ज्यादा है। किस लिए? बड़ी बड़ाई दई आप थे लैंद्रावती कंठ लगाए जी, परम धाम में राजी हैं लेकिन मूल मिलावे में अक्षर ब्रह्म को नहीं ला सकते, महालक्ष्मी को नहीं ला सकते, जबराइल और अस्त्राफिल को नहीं ला सकते, और महामति जी के धाम हृदय में राज जी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है, श्यामा जी विराजमान है, अक्षर की आत्मा विराजमान है, जबराइल और इस्राफील भी विराजमान है,
जो परम धाम में पांचों शक्तियां एक जगह नहीं हो सकती, जहां कर भी नहीं हो सकती, जब्राइल और असराफिल किसी भी स्थिति में मूल मिलान में नहीं जा सकते, महामती जी के धाम हृदय में पांचों विराजमान होकर एक साथ लीला कर रहे हैं। अनहोनी को राज्य ने होनी में बदल दिया, यानी बड़ी बड़ाई दई आप थे लय इंद्रावते कंठ लगाए जी। महामती जी कह रही है कि धाम तो नहीं, परम धाम में आपकी जो शोभा है उससे भी बड़ी शोभा आपने खेल में मुझे दे दी है। वाणी में यह कह दिया कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, मैं अंग संग इंद्रावती के साथ हूं। जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमी रमानुरम, जो इंद्रावती को अंग सौंपेगा यानी अपना दिल देगा, जो महामती पर फिदा होगा समझ लेना वो मेरे पर फिदा हो रहा है, मैं उसको प्रेम और आनंद में डुबो दूंगा। लेकिन हमारे समाज ही इस कथन को अभी भी स्वीकार करने की चाहत नहीं दिखा रहा है। आज गादी प्राणनाथ जी की वाणी से बड़ी हो गई है, स्थान या कोई भी गुरु प्राणनाथ जी से बड़ा हो गया है, और समाज का बहुसंख्यक वर्ग वाणी की अवहेला करता दिख रहा है। ये वाणी क्या है? ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सोने नीचे वासना ताको करो जी भेले सब। राजी कह रहे हैं किस ब्रह्मवाणी को सुनने के बाद जिसके हृदय में प्रेम का आवेश नहीं आता, समझ लेना चाहिए कि या तो ब्रह्मात्मा नहीं है या माया के इतने फंदे में है कि वो जागृत नहीं हो पा रही है। यदि सुनते हुए भी हम अनसुना करते हैं तो यह अक्षम अपराध है। अभी मैंने कहा कि चार बार वाणी में बीतक में प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहा गया है, लेकिन कौन सुनता है? 226 बार राज्य कहा गया है, इससे अधिक प्रमाण क्या होगा? फिर भी अनसुना करके प्राणनाथ जी को संतों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। देवचंद जी और प्राणनाथ जी को आचार्यों की लाइन में खड़ा करना कितना बड़ा अपराध है। यदि हम प्राणनाथ को अक्षरातीत नहीं कर सकते तो हमें संत कहने का अधिकार हमको किसने दे दिया है? हम किसी स्थान के मालिक हो सकते हैं, किसी गद्दी के मालिक हो सकते हैं, हजार दो हजार कुछ लाख शिष्यों के समूह के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अक्षरातीत को संत बनाने का अधिकार हमें नहीं है। जिसके चरण रज से सारा ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, जिसके चरण रज की धूरी से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी है, उस प्राणनाथ प्राणेश्वर अक्षरातीत को हमने छोटा बनाने में अपना गौरव समझा है, और यही भूल हमारे समाज को रसातल की तरफ ले जा रही है। लक्ष्मीदास जी के सामने से राज्य दृढ़ान हो जाते हैं। लक्ष्मीदास जी सिर लटकाए हुए सुंदर साथ के पास आते हैं। सुंदर साथ जी हंसी करते हैं, धाम के धनी लक्ष्मीदास जी औरंगजेब कहाँ है? क्या उत्तर देते? इनकी हंसी हुई क्योंकि राज्य ने कह रखा है कि देखो यदि मैं भी साक्षात प्रकट होकर वाणी के विपरीत बोलूं तो मेरी बात पर विश्वास न करना, समझ लेना कि यह कथन झूठा हो सकता है। इसलिए वाणी के विपरीत कोई भी बोले, मैं बोलूं, कोई भी विद्वान बोले, कोई गादीपति बोले, कोई संत महंत बोले, कोई अपने को परमहंस कह करके भी बोले, यदि तारतम वाणी के विपरीत बोलता है तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक तो नहीं मुकरर, क्योंकि जागनी कार्य किससे होना था? श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से ही होना था, इसलिए राज जी ने जान बुझ के लीला दिखाई है ताकि आने वाला सुंदर सर भटक न जाए। और ये कितना भटका हो रहा है, दुर्भाग्य है। कई फोटो तो ऐसे बनते हैं, परमहंस एक किसी परमहंस को जब हम बड़ा करना चाहते हैं तो दाएं बाएं देवचंद जी और प्राणनाथ जी का फोटो बना देते हैं, बीच में अपने इष्ट गुरुजन का फोटो लगा देते हैं। राजा हमेशा बीच में बैठता है, दाएं बाएं मंत्री बैठते हैं। माने हम अपने गुरुदेव को बड़ा करने के लिए प्राणनाथ जी और देवचंद जी को छोटा बना देते हैं। रू अल्लाह दूजा में फैसी दूसरी ऊपर मुद्दार, सोई इमाम मेहती जाके बुजुर्गी बेसुआ। कोई भी तन कितनी भी बड़ी जागनी कर ले, कितनी भी शक्ति उसको मिल जाए, लेकिन इन दोनों स्वरूपों से बड़ा किसी को करना और ये कहना कि प्राणा जी से वाणी नहीं खुली थी, हमारे सदगुरु महाराज से वाणी खुली है, ये भी भूल है। आखिर वाणी किसकी है? उसी अक्षरातीत की तो दी हुई है। हर ब्रह्मात्मा, हर ब्रह्मणी या जिनके चरणों में हम शीश झुकाते हैं, उन्होंने भी श्री जी की कृपा दृष्टि से ही जागनी का प्रकाश पाया है और उनकी दी हुई शक्ति से ही आत्माओं को जागृत किया है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम प्राणनाथ की जितनी महिमा गाएं उतना ही हमारा जीवन धन धन है। बिना प्राणनाथ को जाहिर किए हुए यदि हम स्वयं को जाहिर करने का प्रयास करते हैं
अपने सतगुरु को प्राणा जी से भी बड़ा बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं अमिट गुना है कि जागने के ब्रह्मांड में मूल स्वरूप ने जिस परमात्मा को शोभा दी है उस शोभा को नकारने का या अपनी शोभा को बढ़ाकर प्रस्तुत करने का नैतिक अधिकार हमारे पास नहीं है। सहजानपुर बोड़िए में माया ने आघेरा, यानी नागजी भाई जिनका नाम था गरीब दास, उनको मिर्गी की बीमारी अचानक लग गई, मलकूल मौत छलू गया, प्रत्यक्ष मौत सामने आ गई। अब उनकी मौत होने को ही थी, श्री जी के चरणों में ले गए नागजी भाई को। श्री जी ने अपना जोश उसमें डाला, धाम लीला दिखाई के दिया अपना जोश, तब मौत को मारिया हो गया परमोश। धाम देने ने अपनी कृपा से परम धाम की झलक दिखाई और अपने अंदर का जोश डाला, मौत तड़प तड़प कर रह जाती है, नागजी भाई का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। वहां से श्री जी ने भीम भाई को और लालदास जी को, जो 22 प्रश्न थे, उसका ही उर्दू में अनुवाद कराकर भिजवाया, भिज जाने के लिए आदेश दिया। अब ये रास्ते में थे, अंदर से राज्य ने आदेश दिया कि महामति अभी ये समय नहीं है, कांजी को तुरंत भेजिए और उनको वापस बुला लीजिए, क्योंकि अभी जो समय है हरिद्वार जाने का समय है, इस समय दिल्ली में जाने से कोई काम भी नहीं होगा और अनिष्ट घटना घटित हो सकती है, क्योंकि हर समय का एक निश्चित समय है, किस समय पर क्या होना है ये मूल स्वरूप ने निर्धारित कर रखा है। कोई भी आत्म वही करती है जो मूल स्वरूप की प्रेरणा होती है, हमारा जी कुछ और सोचता है। जिस समय जिस तरह से जो कार्य होना होगा वो मूल स्वरूप की इच्छा पर निर्भर है, उसमें कोई भी घट या बढ़ नहीं कर सकता। श्री जी ने भिजवा तो दिया अपनी तरफ से लालदास जी को, भीम भाई को, लेकिन कांजी भाई को भेजकर पुनः उनको वापस करवाना पड़ रहा है। अभी आप लौटिए, क्योंकि अभी औरंगजेब को पैगाम देने का समय नहीं हो गया है। श्री जी 6 महीने तक रहते हैं विठल गौर के पूरे में सैयद की हवेली में, और 2 महीने एक अन्य छत्री की हवेली लेकर के रहते हैं लाल दरवाजे के पास। 8 महीने दिल्ली में गुजार चुके हैं, लेकिन शरीयत का पहरा इतना है कि औरंगजेब से भेंट नहीं हो पा रही है। अब श्री जी हरिद्वार पहुंचते हैं, विक्रम संवत 1735 का समय है, जिसके लिए हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सालिवान साकातो गत सोडस कम सतम जीव उतारा ब्रह्मांडे कल के प्रादुर्भविष्य। सालिवान सका के जब 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो संपूर्ण जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। और इसी तरह से भविष्योत्तर पुराण की साक्षी है, मैत्री मलिक्षणम यदा राजवंश प्रवृत्ति विक्रमस्य गति अब्दे सप्त दष्ट अष्ट त्रिकम यदा तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षरात परतः परम भारतीय चैंदिरायम स बुद्धा आविर्भविष्यत स बुद्धा कल कृपेण छात्र धर्मेण तत्पर। जब विक्रम संवत 1738 का समय होगा, उस समय भारतवर्ष में मुसलमानों का राज्य होगा और तब सच्चिदानंद परब्रह्म भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से प्रकट होंगे। विंध्याचल के चित्रकूटे बने रमे विजयाभिनंदो वैभवे, चित्रकूट के रमणीय प्रांत में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। यही विक्रम संवत 1735 और सालिवाहन शाखा का 1600 वर्ष उसमें पूर्ण हो गया है और इस साक्षी के अनुसार श्री जी को पहुंचना है हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में उसमें कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कुंभ क्या है? ये अलंकारिक घटना है जिसको एक पौराणिक घटना का रूप दे दिया गया है। कुंभ कहते हैं घड़े को। पौराणिक मान्यता है कि अमृत निकला था, अमृत कुंभ, उस अमृत को एक घड़े के अंदर लेकर के देवता भाग चले थे। अब ये समुद्र मंथन की घटना क्या है? हर मनुष्य में देव और असुर दोनों प्रवृत्तियां रहती हैं, जिसको गीता में दैवी और आसुरी संपदा कहते हैं। एक क्षण में हमारे मन में विकार आता है
और दूसरे क्षण में हमारा मन निर्विकार हो जाता है। सारे स्त्री हो पुरुष सबके अंदर हम एक ही चेतना को देखने लगते हैं। जब हम शराब पीते हैं तो हमारे मन में कौन बैठ जाता है? राक्षस। जब हम सात्विक आहार करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में कौन बैठ जाता है? देवता। यही देव और असुर का संघर्ष आज भी चल रहा है, पहले भी चलता आ रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। पौराणिक मान्यता है कि देवों और असुरों में काफी युद्ध हुआ। देवता हार कर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, समुद्र का मंथन करो और उस मंथन से कई रत्न निकलेंगे, अमृत भी निकलेगा। जब तुम अमृत पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे और राक्षस हर जाएंगे। अब समुद्र को मंथने के लिए क्या करना होगा? मंत्राचल पहाड़ को उखाड़ लिया देवर और असुरों ने मिलकर। बासुकी नाग की रस्सी से मथा जाने लगा। जैसे दही को मथते हैं या दूध को मक्खन निकालने के लिए मथते हैं तो रस्सी का होता है। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, पहले माताएं लकड़ी की वो बना होता था, हाथ से ऐसे करती थी तो उसमें से दही से मक्खन निकल आता था। उसी से मथा जाने लगा। देवता किधर रहते हैं? पूंछ की तरफ। और असुर किधर रहते हैं? सिर की तरफ। बासुकी नाग को रस्सी बनाकर समत रहे, उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। उच्चैसरवा घोड़ा निकलता है जिसको देवताओं असुरों के राजा बलि ने लिया। इरावत हाथी निकलता है, चंद्रमा निकलता है, लक्ष्मी निकलती है। इसी तरह से भयंकर 20 कालकुट 20 निकलता है जिसकी गर्मी से सब लोग जलने लगते हैं। 20 से शंकर जी उसका पान कर लेते हैं तो उनका गला नीला पड़ जाता है। उस दिन से उनका नाम नीलकंठ हो जाता है। ऐसे करते करते 14 रत्न जो निकलते हैं, 14वां रत्न अमृत होता है। 13वां रत्न क्या होता है? वारुणी मदिरा। मदिरा भी समुद्र से निकली हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है? अब ये सारा वर्णन अलंकारिक है। उस अमृत कलश को लेकर कौन पिएगा, दोनों में झगड़ा होने लगता है। देवता लेकर उसको भाग निकलते हैं धन्वंतर के हाथ से। इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर के भागता रहता है। देवताओं का पीछा राक्षस कर रहे होते हैं। 4 स्थानों पर उस अमृत कलश की कुछ बूंदे गिर जाती हैं नदियों में, इसलिए उन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है और प्रयाग। हरिद्वार में भी गंगा जी है, प्रयाग में भी गंगा जी है, नासिक में गोदावरी है और प्रयाग उज्जैन में छिप्रा। इन नदियों में उस अमृत कलश की कुछ बूंदे गिर जाती हैं। प्रश्न ये है कि वे बूंदे गिर गई तो क्या वो अभी भी बूंदे हैं? पौराणिक मान्यता यह कहती है कि देवों ने अमृत का पान किया और वे अमर हो गए, राक्षसों से विजय प्राप्त कर लिए। अब ये क्या है, इसका कोई रस क्या? आसुरी प्रवृत्ति शरीर परक होती है, तमोगुण से युक्त होती है। वो इसी में घटना आती है कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को शराब पिला दिया, मदिरा पिला दी, और देवताओं को अमृत पिला दिया। देवता अमर हो गए और वे विजयी होकर के रहे, असुरों का नाश हो गया। देवताओं ने अमृत को ग्रहण किया। अमृत क्या है? ब्रह्म। अभ्यम एतत् अमृतम्। अमृत वो है जो कभी नष्ट न हो, अविनाशी तत्व है ब्रह्म। जो उस परमात्मा को जानता है, आत्मा को जानता है, वो अमृत का पान करता है। और जो शरीर के ऊपर चिपका रहता है वो विष, वही दारुणी यानी नशे का पान करता है, वही असुर है। वाणी में लिखा है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। त्रिलोकी में स्वर्ग से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये क्या है? भारतवर्ष है। क्यों कहा? आज तो भारत की युवा पीढ़ी अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, इंग्लैंड के लिए पागल रहती है कि वहां हम चले जाएं। वहां आप जाएंगे तो पैसा खूब मिलेगा, अच्छी अच्छी कोठियां मिलेगी, अच्छी अच्छी कारें मिलेंगी, लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान वहां नहीं मिलेगा। भोम भली भरत खंड की, जहां आई नित्य निचल, और सारी जिमी खारी खारी जल मोह जल। ये भारतवर्ष से
जहां अचरातीत के चरण कमल पड़े, सारी जिमी खारी खारे जल मोहजल, भारत को छोड़कर, क्योंकि सबसे पहले मानसिक सृष्टि भारत पर हुई है। हाँ, इंग्लैंड के लोगों को देखेंगे गोरे चिट्टे दिखाई देंगे, खूबसूरत दिखाई देंगे। दक्षिण भारत के लोगों को देखेंगे काले दिखाई देंगे, भारत में झोपड़ियां दिखाई देंगी। लेकिन ये आपने कभी सोचा है कि जो मासूमियत, जो सहृदयता भारत में देखने को मिलेगी, वो विदेशों में देखने को नहीं मिलेगी। वहां क्या है? मांस और शराब का बोलबाला, आसुरी प्रवृत्ति है, शरीर से आगे कोई चिंतन ही नहीं है। कैसे शरीर को सुख में रखा जाए, बस यही चीज है। ये विदेशी संस्कृति के प्रभाव से भारत अपने वैभव को भूल चुका है, अपनी गरिमा को भूल चुका है। भारत में दुनिया की सभी जलवायु, सभी तरह की मान्यताओं के लोग रहते हैं। यहाँ गोरा भी मिलेगा, काला भी मिलेगा, नास्तिक भी मिलेगा, आस्तिक भी मिलेगा। ध्रुव प्रदेश की भी जलवायु मिलेगी तो रेगिस्तानी जलवायु भी मिलेगी, सबसे सूखा भी मिलेगा तो सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? सारा विश्व भारत के अंदर एक समाहित हो जाता है और दैवी सृष्टि सबसे पहले भारत के अंदर हिमालय में पैदा होती है। इसलिए अध्यात्म की जो सरिता है केवल भारत में बहती है। मैंने आपको बताया था कि उस फ्रांस के लड़के ने जो वहां से आया था ध्यान सीखने के लिए, मसूरी में मेरी कुटिया में कुछ घंटे ठहरा। मैंने पूछा कि तुमको भारत में और विदेश में कैसा अंतर लगता है? मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि हम विदेशी तो आते हैं यहाँ शांति के लिए, और यहाँ के लोग भागे भागे जब हमारे देश में आते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे पागल लोग हैं, कि भारत के गौरव को ये खुद नहीं जानते। हाँ, जो विदेश में रहने वाला भौतिकवादी है वो तो अपने को श्रेष्ठ मानेगा, लेकिन जिसको अध्यात्म की प्यास है उसको भारत की शरण में आना ही पड़ता है। अब ये बातिनी अर्थ क्या है? देवताओं ने आत्म तत्व को जाना, परमात्म तत्व को जाना, तो वे अमर हो गए। तमेव विदित्वात् मृत्युम् एतत्। परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी तरीका नहीं है। जिसने परमात्मा को नहीं जाना वो जन्म मरण के चक्र में रहेगा। जो इसने विषयों में अपने जीवन को लगा दिया वो असुर है। जिसने आत्म तत्व को जाना वो देवता है। ये देवासुर संग्राम कोई सचमुच, ये न समझिए कि केवल ऐतिहासिक घटना ही है, ये पल पल हो रहा है। ऐतिहासिक घटना भी है। देव और असुर, सात्विक और तामसिक का संघर्ष सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जो गंगा जी में, हरिद्वार में, प्रयाग में अमृत की बूंदे कुछ गिर गई तो पानी के बहाव में बह गई होगी। आज उस पानी में डुबकी लगाने के लिए होड़ बची रहती है। इन नादान भोले वाले हिंदुओं को कौन समझाने जाए? अभी हर इलाहाबाद में कुंभ लगने जा रहा है। ये जितने नागे महात्मा होते हैं कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा त्यागी हैं। किस लिए? कि उन्होंने कपड़े त्याग रखे। विषय वासना तो त्यागी नहीं गई, तृष्णा का मोह त्यागा नहीं गया। कपड़े त्याग देने से यदि त्यागी बना जाए तो पशु पक्षी तो ऐसे ही त्यागी रहते हैं, वो तो महात्यागी कहला जाएंगे। लेकिन ये नहीं, एक ही दिन में पानी में डुबकी लगा लेने से कौन सा मोक्ष मिल जाना है? ज्ञान की गंगा में यदि स्नान नहीं किया तो इस सामान्य जल में स्नान करने से कोई भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। वेदांत दर्शन क्या कहता है? संघ दर्शन का कथन है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति। यदि उस परमात्मा को नहीं जाना तो कभी विभव सागर से पार नहीं हो सकता है। साईं भोले शाह ने बहुत अच्छा कहा है, गंगा गए गल मुक्ति नहीं, जो सौ सौ डुबकी लगाइए। एक बार नहीं, सौ बार गंगा में डुबकी लगा लीजिए, लेकिन प्रेम की गंगा में डुबकी नहीं लगाए। अखंड ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगाए तो भला मुक्ति कहां मिलने वाली? भला भला हिंदू समाज सोचता है कि अमुक तिथि को सबसे पहले हम डुबकी लगा लें ताकि जो अमृत कलश से बूंदे गिरी थी वो हमें प्राप्त हो जाएंगी और हमें मिल जाएंगी। जब रावण की नाभि का अमृत सूख सकता है तो गंगा में गिरा हुआ अमृत क्या अभी तक सुरक्षित है? लेकिन नहीं। इन स्थानों से प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का फैलाव होता रहा है। ब्रह्मज्ञान रूपी अमृत का फैलना ही अमृत के बूंदों का गिरना है। प्राचीन काल में एक एक ऋषि एक एक विश्वविद्यालय का रूप होते थे। प्रयाग में
भरद्वाज ऋषि का आश्रम था जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। दुर्वासा ऋषि के साथ भी 10,000 शिष्यों का समूह रहता था। आज तो हम एक आश्रम बनाते हैं, 40-50 हो जाते हैं, तो लोग सोचने लगते हैं, ट्रस्ट के लोग सोचते हैं भाई कहाँ से व्यवस्था होगी। महावीर स्वामी के साथ, गौतम बुद्ध के साथ हजारों हजारों शिष्य रहते थे। आप समझिए, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैनी यानी उज्जैन में जहां पढ़ने के लिए कृष्ण बलराम गए थे, शांतिपन मुनि के आश्रम में कितने विद्यार्थी रहते होंगे। सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जंगलों में होते थे, सबका कार्यभार चलता था, यानी एक एक ऋषि मुनि एक एक विश्वविद्यालय बनकर सबको शिक्षा सिद्ध किए रहता था। ये ज्ञान के केंद्र है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत की बूंदे यहाँ से मिलती थी। इसी को अलंकारिक रूप में कहा जाता है कि अमृत कलश की बूंदे वहां गिर गई थी। अब वहां हिंदुओं का जमावड़ा होता है। श्री जी वहां पहुंचते हैं, उनको देखकर सभी आचार्य वाले शक करते हैं, क्योंकि औरंगजेब से उनको भय लगा रहता है। इसी औरंगजेब ने एक बार हरिद्वार में सारी फौज भेज दी थी और जो भी हिंदू मिले उनको मार डाला गया। महात्माओं को कैद करके उनसे चक्की पिसवाई गई। उनको डर लगा कि कहीं फिर औरंगजेब ने सेना तो नहीं भेज दी, क्योंकि जहां भी पता चलता कि हिंदू अपना कार्यक्रम कर रहे हैं वहां मुस्लिम फौज पहुंच जाती थी और उनसे धर्मांतरण करवा देती थी जबरन। काशी हो, मथुरा हो, सारा इतिहास भरा पड़ा है। और क्रूरता किसको कहते हैं? देश के विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान से आए, पुरानी पीढ़ी जानती है, नई पीढ़ी को तो ये बातें मालूम नहीं कि कैसे कैसे दिन देखने पड़ते थे जब आतंकवादी कितनी यातना दे करके या तो मजबूर करते थे कि मुसलमान बन जाइए या मौत के घाट उतार देते थे। अब श्री जी वहां पहुंचते हैं, आचार्यों ने देखकर उनको कहा कि लगता है कि आप किसी अन्य पंथ के हैं, क्योंकि श्री जी ने उनकी तरह वेशभूषा कोई धारण नहीं की रखी थी। उनकी वेशभूषा सबसे न्यारी थी। श्री जी कहते हैं कि भाई आप लोगों के तो पंथ प्राचीन है, मैं तो ये जानने आया हूं कि जीव को भवसागर से पार करने का मार्ग क्या है और आप इसको बताइए। श्री जी और कुछ नहीं पूछते हैं, बस ये बातें पूछते हैं। वहां वैष्णव के चार संप्रदाय, रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी और माधवाचार्य, ये चार पंथ हैं। दशना मत के आचार्य और सांख्य योग वेदांत न्याय मीमांसा वैशेषिक छह दर्शनों के आचार्य वहां इकट्ठे हुए होते हैं और जितने हिंदू धर्म के अन्य पंथ होते हैं सभी इकट्ठे होते हैं। आपको देखना हो, अभी प्रयाग में कुंभ लगने जा रहा है, अब जाकर देखिए कितनी लाखों की संख्या इकट्ठी होती है। इनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसी बहाने हिंदू समाज एक जगह इकट्ठा हो, लेकिन केवल पानी में डुबकी लगाना और भाग छूटना इससे कोई लाभ नहीं होता है। हिंदू समाज संगठित होकर अपनी गलतियों को सुधारे, इसमें तो सार्थकता दिखती है। हमेशा चिंतन मनन होना चाहिए। सबको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि संसार में कोई देता है तो भारत में वैदिक धर्म ही देता है, हिंदू धर्म देता है। आप कह दीजिए कि परमात्मा नहीं है, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा। आप पाकिस्तान की धरती पर कह दीजिए अल्लाह ताला नहीं है, तो आप देखिए इस निंदा कानून के अंतर्गत आपको पत्थरों से मार मार कर मार डाला जाए। गैलीलियो ने जरा सी ही तो बात कही थी कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है, पादरियों ने कितनी बड़ी सजा दी थी। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सबको कुछ भी कहने की छूट है। अब श्री जी से सबसे पहले रामानुज मत के आचार्यों की बात होती है और वे अपनी पद्धति बताते हैं कि श्री जी आप हमारी पद्धति सुनिए और हमारे मत को ग्रहण कीजिए। कितनी विनम्रता है। पहले भी मैंने कहा है, जब श्री जी हरजी व्यास के पास जाते हैं कितनी विनम्रता से महीनों तक उनकी बात सुनते हैं। यहां भी गए हैं, सभी आचार्यों से कहेंगे कि मैं तो ये जानने आया हूं कि हमारे जीव को भवसागर से पार कैसे होना है, ये हमें मार्ग बताइए, आप अपनी पद्धति बताइए। कहावत कही जाती है, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले वो, हीरा का मुख से कहें लाख हमारा मोल। कितना भी आप बड़े
विद्वान बन जाइए, कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये शोभा किसको देनी चाहिए कि उस सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा दृष्टि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास जो भी है उनका दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं। यदि मनुष्य केवल अपने इसी अहम को छोड़कर उस परमात्मा पर समर्पित हो जाए तो संसार के सारे झगड़े मिट जाए। मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। हम अपना अंग धनी के चरणों में नहीं दे पा रहे, जिस दिन दे देंगे हमारे और उनके बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा। पर्दा तो हमने स्वयं बनाया है, इसलिए धनी कहते हैं, मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। मैं खुदी को मारना ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। आप बहुत त्यागी बन सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं, लेकिन मैं खुदी को नहीं छोड़ सकते। विद्वान होने के बाद ही मन में भावना बनी रहेगी कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। आप बहुत सेवा करेंगे तो भी ये भाव रहेगा कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव नहीं आ सकता। ये भाव किसको आएगा? जो सबसे बड़ा परमंश हो जाए। एक सुंदर साथ ने अपनी घटना बताई, आप पीते बद्री जोशी मठ बद्रिकाश्रम से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है, लगभग जोशी मठ के आगे चाइना का बॉर्डर आ जाता है। वो पीडब्ल्यूडी में क्लर्क थे, एक दिन नित्य क्रिया के लिए बाहर लोटा लेकर शौच के लिए गए थे और नित्य क्रिया के बाद लोटे को रखकर थोड़ा टहलने के लिए चले गए। वापस आकर देखते हैं कि एक व्यक्ति उनके लोटे को मांज रहा था, धो रहा था। उन्होंने सोचा कि कौन काम कर सकता है, दो ही व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं, या तो कोई पागल या परमंश। लोटा हमने गंदा किया और उसको बिना परिचय के कौन मांजेगा? पागलपन में मांज सकता है या उच्च शिखर पर जो अध्यात्म के पहुंच जाएगा वो मांजेगा। इसलिए जो मठों में रहने वाले मठाधीश अपनी सेवा कराते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को जो गंदगी में लिपटा हुआ था उसकी सेवा की, ईसा मसीह ने कोढ़ियों के घाव धोए, ये कार्य कौन करेगा? जिसने स्वयं को मिटा दिया है, जो स्वयं को अपने अहं को सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम में मिटा दिया होता है, दुनिया के कल्याण के लिए, मानवता के दुख को दूर करने के लिए अपने अहं को मिटा दिया होता है, वही अध्यात्म के शिखर पर बैठा होता है। अब कुंभ के मेले में जाइए, जितने मठाधीश होते हैं, सभी संप्रदायों के बड़े बड़े गुरुजन होते हैं, छत्र लगाकर चलते हैं, उनके साथ उनके शिष्यगण होते हैं, जय जयकार लगाते हुए तरह तरह के सवारी निकालते हैं। ये क्या है? ये तो दिखावा है, उनके अंदर अध्यात्म की सरिता नहीं बनती है। आप चांदी के छत्र लगाकर बड़ी बड़ी सवारी पर अपने भक्तों की भीड़ लेकर के संसार को क्या दिखाना चाहते हैं? शंकराचार्य जी कभी जमीन पर बैठ ही नहीं सकते, जब बैठेंगे तो चांदी के कुर्सी सिंहासन पर ही बैठेंगे। आदि शंकराचार्य तो जीवन भर पैदल चलते रहे, कभी उन्होंने चांदी की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, बैठे ही नहीं, उनके लिए फीस के समान था। लेकिन आज के शंकराचार्य 2200 साल हो गए, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू समाज त्राही त्राही कर रहा है, अनेक बुराइयों ने घर कर रखा है, लेकिन इन शंकराचार्यों को कोई चिंता नहीं होती है। सच्चा सन्यासी कौन होता है? जो संसारिक सुखों को ठोकर मार कर या तो परमात्मा के प्रेम में डूबा रहे या संसार को सही राह बताए, वो प्रतिष्ठा जाने से न डरे कि मैं ऐसा कह दूंगा तो समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। यदि बदनामी से डरे संसार के गलत कार्यों का विरोध नहीं कर सकते तो संन्यास लेने से क्या फायदा? संन्यास उसको लेना चाहिए जो निर्भीक होकर सत्य का मंडन करे और असत्य का खंडन करे, हाँ किसी का दिल दुखाए बिना अपनी सच्ची बात अवश्य कहे ताकि मानवता का कल्याण हो। अब रामानुज मत चला है कलयुग में, वैष्णव के चार आचार्य हैं। रामानुज ने अपना मत अलग चलाया है,
वैष्णव मत चला राजा मोज के 150 वर्ष के बाद। इन्होंने कहा है कि जो हमारे चलान इस संप्रदाय को चलाने वाले कोई कहता है, जैसे रामानुज मत वाले कहेंगे कि लक्ष्मी ने चलाया है, अन्य मत वाले कहेंगे कि सनकादिक ने चलाया है, कोई कहेगा कि ब्रह्मा जी ने चलाया है, कोई कहेगा कि शंकर जी ने चलाया है, और ये सारी बातें गप हैं। भारतवर्ष के आध्यात्मिक दर्शन के बारे में मैं एक संक्षेप सी बात कह देता हूं। भारत में प्राचीन काल से दो धाराएं रही हैं भक्ति की, एक वाममार्गी धारा और एक दैवी धारा यानी दक्षिण मार्गी धारा। वाममार्गी धारा क्या कहती है, ना मांस भक्षणे दोषो न मद्य, मांस खाने में शराब पीने में कोई दोष नहीं है। रावण इसी प्रवृत्ति का मानने वाला था। और ये रावण कौन था, रावण विश्वा मुनि का पुत्र था, जो आसुरी वर्ग था, जो मांस राम में डूबा पड़ा था, उस कुल की माता थी और पिता ऋषियों के कुल का था। ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे, वहां से ये वंश आता है। भारतवर्ष में हिमालय में सबसे पहले सृष्टि होती है, जिनको कहते हैं आर्य। आर्य का अर्थ होता है जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ होता है, वो आर्य कहलाता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले केवल एक वेद का अवतरण हुआ और वेद को मानने वाला वैदिक धर्म और अवलंबी कहलाता है। जो जो हिंदुओं में अपराध करते गए उनको बहिष्कृत करके आर्यों ने बाहर कर दिया, वो दक्षिण भारत में जाकर बसते गए। मद्रास के आसपास के इलाकों में जहां भयंकर गर्मी पड़ती है, वहां की जलवायु में उनका रंग काला हो गया। उधर ऑस्ट्रेलिया से जो आए, दोनों का मेल हो गया। दक्षिण भारत में इनकी संस्कृति ने जड़ जमा लिया और प्रवृत्ति तो इनकी मांसाहार की थी, परिणाम यह हुआ कि रावण उनका नेतृत्व करने लगा। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वही रावण शिवलिंग की पूजा करता था, मद और मांस में डूबा रहता था। वही प्रवृत्ति काफी समय तक बनी रही। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो वाममार्गी संस्कृत काफी हद तक ध्वस्त हो गई, उसका कुछ बीज रहा। धीरे धीरे कालांतर में तमोगुण के बढ़ने से, सुतोगुण के कम होने से महाभारत के पश्चात वही बीज अंकुरित हो गया। और परिणाम यह हुआ कि इन्होंने उड़ीसा बंगाल में अपनी धाक जमा ली। धीरे धीरे इनका पूरे देश में फैलाव हो गया और पशुओं की, गाय घोड़े मनुष्य तक की बलि चढ़ाने लगे। वेद में कहा है, यजमान से पशुन पा, हे यजमान तू पशुओं की रक्षा कर। इन वाममार्गियों ने क्या किया, गोमेद यज्ञ के नाम पर गाय को कटवा करके अग्निकुंड में हवन कराना शुरू किया। गोमेद किसको कहते हैं, गो माने पृथ्वी, गो माने सूर्य की किरण, गो माने इंद्रिय, गो माने गाय, यानी सुगंधित पदार्थ अग्निकुंड में जाले जाए जिससे सुगंध फैले, उसको गोमेद यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसको कहते हैं, राष्ट्र ही अश्वमेध, प्रजा का सुव्यवस्थित शासन करना ही अश्वमेध यज्ञ है। नरमेध यज्ञ किसको कहते हैं, जब मनुष्य मर जाए तो उसके वजन के बराबर सुगंधित पदार्थों से उसको दाह संस्कारित कर देना है, नरमेध यज्ञ के। इन्होंने अर्थ निकाला कि जिंदे जी मनुष्य की बलि दे देना। आजकल के जो तांत्रिक क्या करते हैं, भैरव देवता को खुश करने के नाम पर मुर्गा काटते हैं, किसी बच्चे का अपहरण करके उसकी बलि देते हैं, ये सब कौन है, यही वाममार्गी है। गौतम बुद्ध ने जब देखा तो इनका खंडन किया और परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कह दिया कि यदि तुम वेद के नाम पर, परमात्मा के नाम पर गाय और पशुओं की हत्या करते हो तो मैं तुम्हारे वेद और परमात्मा यज्ञ को नहीं मानता। गौतम बुद्ध परमात्मा को मानते थे, लेकिन परमात्मा के नाम पर ही तो सारा अंधविश्वास आडंबर चल रहा था, इसलिए उन्होंने वेद और परमात्मा की ओट में चलाए जाने वाले इन यज्ञों का खंडन किया। सारे देश में बौद्ध धर्म का, जैन मत का बोलबाला हो गया, लेकिन भूल यह हुई कि उनके अनुयायियों ने गौतम बुद्ध को स्वयं नास्तिक बना दिया, जबकि बुद्ध नास्तिक नहीं थे। एक जगह जा रहे थे, एक व्यक्ति मिला, बोलता है कि भगवान क्या परमात्मा है, बुद्ध कहते हैं कि
किसने कहा कि परमात्मा है? परमात्मा नहीं है। आगे कुछ देर और चले, एक व्यक्ति और मिला, पूछता है कि भगवान क्या परमात्मा नहीं है? बुद्ध कहते हैं, किसने तुमको कह दिया परमात्मा तो है? आनंद उनके साथ थे, आनंद पूछते हैं कि भगवान आपने दो जगहों पर दो बातें कह दी, एक जगह कह दिया कि परमात्मा नहीं है, एक जगह कह दिया कि परमात्मा है, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं इसको किसी विचारधारा में बांधना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मनुष्य सत्य का अन्वेषण करे, स्वयं ध्यान साधना में उतरे और सम्यक समाधि से वास्तविक सत्य को देखे। एक पदार्थ है असत्य जो मिथ्या है, मिथ्या को छोड़कर सत्य को प्राप्ति करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सम्यक समाधि में जाने की आवश्यकता है। और जब विपस्सना के द्वारा सम्यक समाधि में कोई व्यक्ति जाएगा तो सत्य का सुतर बोध हो जाएगा। केवल तर्क वितर्क से बहस करने से कोई प्राप्ति होने वाला नहीं है। आज विश्व का 90% बौद्ध समाज परमात्मा की अवहेलना करता है। जब शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने देखा कि सारे देश में बौद्ध मत खड़ा हो गया है, नास्तिकवाद हर जगह है, परमात्मा को कोई मानने वाला ही नहीं। तो पहले कुमारी ने शास्त्रार्थ की प्रक्रिया अपनाई और उसके पश्चात शंकराचार्य जी ने बौद्धों के शून्यवाद क्षणिकवाद का खंडन करके एकमात्र ब्रह्मवाद का आह्वान किया। लेकिन अच्छी तरह से उनके द्वारा भी वेदों का प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि असामयिक वृत्ति के कारण ज्ञान प्रचार ठप हो गया। जो चार मठ उन्होंने बनाए थे, उन मठों में उनके शिष्यों की पूजा होने लगी। और आप जानते हैं, सन्यासी की राह में सबसे बड़ी बाधा है तो वह है प्रतिष्ठा। आज के सन्यासी जिस तरह से प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि प्रतिष्ठा ही तो उनके लिए माया का रूप लेकर आती है। चारों शंकराचार्यों की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि उन्होंने ध्यान भक्ति और वेद का प्रचार कार्य ही छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज वेद के वास्तविक ज्ञान से वंचित हो गया। अब जो बामार्गी इसमें शामिल होते गए, उन्होंने वही रास्ता अपना लिया। पौराणिक मान्यता फिर प्रचलित हो गई, सूत्रों का तिरस्कार, स्त्री का तिरस्कार। और शरणाचार्य जी ने जो वेदों की व्याख्या की है उसमें उन्होंने सरयाम बोला है, किस तरह से मनुष्य की बलि देने का, पशुओं की बलि देने का, नवग्रहों की पूजा का, ये जो कुछ अडंबर है शरणाचार्य जी ने वेदों में प्रतिपादित कर दिया अर्थ का अनर्थ करके। और ये सारी मान्यताएं कहां से हैं? पुराणों से ली गई हैं। पुराणों के रचनाकारों को वेदों का आशय मालूम नहीं था, उन्होंने अष्टाध्यायी महाभाष पढ़ा नहीं था, निघंट और निरुक्त भी नहीं पढ़ा था। परिणाम यह हुआ अर्थ का अनर्थ करते गए। और यही आप देखिए, भागवत पुराण तक में वर्णन आता है किस प्रकार से हरिश्चंद्र के लड़के रोहित को बलि देने के लिए प्रेरित किया गया था। वरुण देव चाहते थे कि बलि दिया जाए, अंत में इंद्र जाकर के रुक दिया करते थे। ये महाभारत, ये भागवत पुराण के 9वें स्कंद में ये घटना वर्णित की गई है। इसी तरह से बलि प्रथा का समर्थन भागवत में किया गया है, नवग्रहों की पूजा का, जड़ पदार्थों की पूजा का, अन्य काल्पनिक देवी देवताओं का पूजन पौराणिक ग्रंथों में पूरे जोर शोर से किया गया है। और इसका कारण क्या था? बामार्गियों का प्रभाव। इन्हीं के प्रभाव से दक्षिण भारत से चार पंथ खड़े हुए विष्णु की उपासना को लेकर। जब तक बौद्ध धर्म था तब तक बुद्ध भगवान ने जाति परंपरा नष्ट कर दी थी, लेकिन जब शंकराचार्य का बल बढ़ा तो वो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वे पुनः हिंदू बन के सनातनी विचारधारा, पौराणिक विचारधारा को मानने लगे। जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। जो सिख पंथ में शामिल होता था वो अपनी जाति को भुला देता था, लेकिन कालांतर में आज अभी भी उसका बीज है कि ये इस जाति से बने हुए सिख हैं, ये इस जाति से बने हुए सिख हैं। जैसे मुसलमानों में भी वो बीज आज तक चला आया है, हिंदू जो मुसलमान बने आज तक अपने को याद रखते हैं कि हम जाट मुसलमान हैं या गुज्जर मुसलमान हैं या ब्राह्मण मुसलमान हैं। इसी के आधार पर शेख और सैयद और तरह तरह की जातियों की कल्पना उनमें भी हो गई। जो शूद्र वर्ग था अब वो प्रताड़ित होने लगा,
शूद्र वर्ग जो पुनः बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में आया। धर्म तो एक था वैदिक धर्म, विकृतियां होती गई, पर क्योंकि विकृति तब आती है जब समाज में तमोगुण बढ़ता है, शिक्षा का ह्रास होता है, उस समय समाज में नए नए विचार पैदा होते हैं और धर्म का विध्वंस होता है। संसार का कोई भी धर्म इससे अछूता नहीं है। धर्म एक है, धर्म रूपी वृक्ष की अनेकों शाखाएं होती है, चाहे उसको हिंदू धर्म कह लीजिए या इस्लाम धर्म कह लीजिए या क्रिश्चियन धर्म कह लीजिए, लेकिन मानव धर्म तो एक ही है। उस सत्य का जो जितने अंशों में पालन करता है वास्तव में वही धार्मिक होता है। ये जो निम्बार्क, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी आदि पंथों की जो बात चल रही है वो कहां से पैदा होते हैं, सभी दक्षिण भारत से। जो शूद्रों को सताया जाने लगा क्योंकि पौराणिकों ने कठोरता पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया, उन्होंने लिख दिया यदि शूद्र के कान में वेद का एक भी अक्षर पड़ जाए तो उसमें शीशा पिघला कर डाल दो, और यदि स्त्री वेद का उच्चारण कर लेती है तो उसकी जीवा काट लो। परिणाम क्या हुआ, ये बेचारे शूद्र सताए जाने लगे। लेकिन इन भक्ति तो सबको चाहिए, इन्होंने संगठित होकर के विष्णु की आराधना करनी शुरू की, और इनके संस्थापक थे सटको, दूसरे आचार्य हैं मुनिवाहन, तीसरे आचार्य हैं यावनाचार्य, और चौथे आचार्य हैं रामानुज। रामानुज ब्राह्मण थे और सटको सूप बेचा करते थे। इन्हें रामानुज ने जो संप्रदाय चलाया विधिवत, उसको कहते हैं रामानुज संप्रदाय। इसकी पद्धति सुनिए, इस पद्धति में वो अपने एक एक बात को प्रकाशित करेंगे। अब उसको धीरे धीरे संक्षेप में मैं व्याख्या करता हूँ। हमारे गुरु धर्म में, अब कह रहे कि जो हमारा जो धर्म है उसमें कही नाम माला उर माही, नाम की माला को उर माही अपने हृदय में धारण किया जाता है। अपने संप्रदाय की पद्धति बता रहे हैं। अच्युत गोत्र अत सूची परम, आप देखिए माला शब्द पर मैं ये कहना चाहूंगा, मुसलमान भी माला फेरता है, हिंदू भी माला फेरता है, लेकिन चार वेद, चार उपवेद, छह अंग, छह उपांग किसी भी ग्रंथ में माला का वर्णन आप नहीं पाएंगे। ये सब कलयुग में सब पैदा हुई है चीजें। कोई भी ऋषि मुनि माला नहीं फेरता था। माला फिर चिक फया फिरा नमन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। मन का माला को तो कोई फेरता नहीं, सब अपने हाथ में कोई रुद्राक्ष की माला, कोई तुलसी की माला, कोई प्लास्टिक की माला, कोई किसी चीज की माला ले रहते हैं कि हम परमात्मा का नाम जपते हैं। जो जब से परे है यतो वाचो निवर्तन्ते, जो मन से वाणी से परे है उसको माला पर क्या गिना जाए। लेकिन समाज में एक विचारधारा चल पड़ती है माला के प्रयोग की, कह रहे हैं कि अच्युत गोत्र है। गोत्र किसको कहते हैं, जैसे शादी विवाह में गोत्र का प्रपंच आता है, गोत्र का तात्पर्य होता है किसी वंश का पूर्व पुरुष। जैसे ब्राह्मणों में गौतम, गर्ग और सांडिल, ये तीन गोत्र माने जाते हैं। यानी गर्ग ऋषि के जो वंशज होंगे वो क्या कहेंगे, गर्ग ऋषि हमारा गोत्र है। सांडिल ऋषि से जो वंश चल परंपरा चली होगी उस वंश के जितने ब्राह्मण होंगे क्या कहेंगे कि हम सांडिल ऋषि हमारा गोत्र है। गौतम ऋषि के वंशज कहेंगे कि हमारा गोत्र गौतम है। आज हिंदू समाज जातियों की लड़ाई लड़ रहा है, किसी को ये मालूम नहीं है कि आज जो पिछड़ी जातियां कहला रही हैं वो पहले के कभी राजघराने में रह चुकी है। जब राजा जीतता है अपने विरोधी राजा को इतना कमजोर बना देता है कि वो कभी भी सिर नहीं उठा सके, इसलिए उसके भाई से हारा हुआ राजा अपने वंशजों के साथ जंगल में चला जाता था। शिक्षा दीक्षा न मिलने से वो उसकी वंशावली पिछड़ जाती थी। आज जिसको हम दलित कहते हैं हम भूल जाते हैं कि वो दलित वास्तव में नहीं है, वो तो कभी राजघराने से जुड़ी रही है जातियां। और इसी कारण आज भारतवर्ष लड़ाई लड़ रहा है जातियों के नाम पर। हिंदू धर्म में 1200 जातियां बन चुकी हैं, कोई जाति नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि जाति होनी चाहिए। जाति किसके अनुसार होनी चाहिए, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार जाति होती है, जन्म के आधार पर नहीं। और मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है शूद्रो ब्राह्मणताम इति, ब्राह्मण इति च शूद्रताम च
क्षत्रियात जातम एव अंत विद्यात वैसा तथा च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि किसी का गुण कर्म स्वभाव शूद्र के अनुसार है तो उसको शूद्र बना दिया जाए, क्षत्रिय के समान उसका स्वभाव है तो क्षत्रिय बना दिया जाए, और शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि उसमें ब्राह्मणत्व आ जाता है तो उसको ब्राह्मण बना दिया जाए, क्षत्रिय बना दिया जाए और वैश्य बना दिया जाए। विदुर क्या थे? दासी के पुत्र थे, जन्म से वो शूद्र थे लेकिन उनके चरणों में ऋषि भी प्रणाम करते थे। मातंग ऋषि चंडाल थे, उनके चरणों में ऋषि भी प्रणाम करते थे। तप के द्वारा विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण हो गए। इन चार वर्णों से जो कर्म के अनुसार बना करती थी, इन चार वर्णों को छोड़कर अन्य कोई जाति है ही। सबसे बड़ी भूल जो इस देश के इतिहास लिखने वालों ने की है, आदिवासी शब्द का प्रयोग करके। आदिवासी शब्द ही नहीं होना चाहिए, कोई आदिवासी नहीं है, उनके लिए बनवासी शब्द प्रयोग करना चाहिए। बनवासी और आदिवासी में अंतर होता है। ये तो एक साजिश है कि ये कह देना कि आदिवासी लोग रहते थे और बाहर से आर्य आए, उनको जीत करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। वनों में रहने वाले को वनवासी कहते हैं, और ये वन में वो लोग रहने लगे जो किसी अपराध के कारण समाज से परित्यक्त कर दिए गए थे और उन्होंने एक समूह बना लिया। शिक्षा और संस्कारों से हीन होने के कारण दिन प्रतिदिन पतन की तरफ चलते गए थे। अच्युत गोत्र है, हमारा गोत्र कौन है? अच्युत। अच्युत किसको कहते हैं? जो कभी च्युत न हो, यानी विष्णु भगवान ही हमारे गोत्र हैं। प्रभु अनंत शाखा जवाही, और शाखा किसको कहते हैं? आप देखिए, जैसे अभी कई शाखाओं का नाम आपको सुनने को मिलेगा। धर्म के ज्ञान को चलाने वाला किसी व्यक्ति जो महापुरुष होता है उसके नाम से शाखा का प्रचलन होता है। जैसे ये क्या कहते हैं कि हमारी शाखा अनंत है, अनंत अनंत परमात्मा का एक विशेषण शब्द है, इन्होंने उसी नाम से अपनी शाखा का नाम रख लिया है। शुक्ल हमारो वर्ण है, वर्ण वर्ण का अर्थ होता है रंग। चार प्रकार के मुख्य रंग होते हैं चारों वर्णों के लिए। प्राणियों में भी ये चीज आती है, सत्व रज तम का स्वभाव हर प्राणी में होता है। कोई सत्वगुणी होता है, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, और इनके मिश्रण से एक चौथा वर्ण बन जाता है। जैसे शुक्ल वर्ण है, शुक्ल वर्ण क्या है? उपनिषद का एक वाक्य है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजानाम सृजमाना स्वरूपा। ये क्या है? सत्वगुण का प्रतीक है शुक्ल यानी श्वेत रंग, रजोगुण का प्रतीक है लाल रंग, और तमोगुण का प्रतीक है काला रंग। और इनके मिश्रण से, जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की अधिकता होनी चाहिए, जिस व्यक्ति में सत्वगुण हो वो ब्राह्मण है, जिसमें रजोगुण हो यानी कुछ सत्वगुण में रजोगुण का अंश आ जाए, ज्यादा हो जाए तो वो क्षत्रिय हो गया। वैश्य में क्या होता है? पीलापन, यानी तमोगुण और रजोगुण के साथ सत्वगुण थोड़ा हो वो वैश्य हो गया, और जिसमें तमोगुण ही तमोगुण ज्यादा हो, रजोगुण ही कम हो और सत्वगुण नाम मात्र को हो, उसको शूद्र कहते हैं। चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला मांस खाता है, शराब पीता है तो शूद्र है, और रविदास जी जैसा व्यक्ति हो, भले ही जूता बनाते हो लेकिन वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जिसमें त्याग है, तप है, ज्ञान है, वैराग्य है, सील है, संतोष है, वो ब्राह्मण है। महाभारत में यक्ष ने पूछा था, युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कैसे बना जाता है, क्या जन्म से ब्राह्मण होता है? युधिष्ठिर स्पष्ट कहते हैं, यक्ष जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मी यम कीति तनु। ब्राह्मण तो बना जाता है तप से, स्वाध्याय से, यज्ञ से, तपस्या, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से। जिसमें ये लक्षण ना हो किसी भी कीमत पर ब्राह्मण नहीं कहला सकता। आज स्थिति उल्टी है कलयुग के अंदर, जो काशी में जो पंडे प्रतिदिन मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, चाहे जगन्नाथपुरी के पंडे हैं, चाहे कहीं के पंडे, सब अपने को कहेंगे कि हम ही ब्राह्मण हैं। और तो और हर पुरी में जहां बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, अधिकतर पंडे मांस और शराब में डूबे रहते हैं और सबको मुक्ति का टिकट दिया करते हैं, खुद तो भव सागर में डूबते हैं बेचारे,
दूसरों को क्या मुक्ति देंगे। मुक्ति तो वहां मिलेगी रिते जाना तन मुक्ति, जब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा किसी को भी मुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल पाता। सामवेद द्वार श्रवणा, और हम किसको मानते हैं? सामवेद द्वार श्रवणा, हम सामवेद का श्रवण करते हैं। चार वेद हैं, ऋग्वेद में ज्ञान की विशेषता, यजुर्वेद में ज्ञान को आधार बनाकर कर्म कैसे करना है ये बताया गया है, सामवेद में उपासना है भक्ति कैसे करनी है, और अथर्ववेद का अर्थ क्या है, अथर्व जिसमें कंपन ना हो संशय ना हो उसको अथर्ववेद कहते हैं। चारों वेदों के में चार बातें बताई गई हैं, ज्ञान कर्म और उपासना, और अथर्ववेद में सबका एक संक्षिप्त रूप संशय रहित ज्ञान के रूप में दिया गया है। मुक्त समीपी जाहिर, मुक्ति किसको कहते हैं? भव सागर से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना ही मुक्ति कहलाती है। मुक्ति चार प्रकार की वैष्णव ने मानी है। मुक्ति क्या? मुक्त समीपी जाहिर, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? अपने इष्ट के लोक में चले जाना सालोक्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति किसको कहते हैं? अपने इष्ट चाहे विष्णु भगवान हो या शंकर जी या जो जिसको मानते हैं उनके पास बैठे रहना सामीप्य मुक्ति। जो साकारवादी विचारधारा के लोग हैं वो चार तरह की मुक्ति मानते हैं। सारूप्य, सारूप्य मुक्ति किसको कहते हैं? उन्हीं जैसा रूप बना लेना, यानी नारी वर्ग लक्ष्मी का रूप धारण कर लेंगे और पुरुष वर्ग विष्णु भगवान का रूप धारण कर लेगा, इसको मुक्ति को कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और जो एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, उसमें लीन हो जाना, जैसे प्रकाश के अनंत स्रोत में प्रकाश की किरण लीन हो जाती है। भागवत में वर्णित है कि जब इस विष्णु रूप से कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल की ज्योति विष्णु में समा गई, वही सायुज्य मुक्ति है। मठ बैकुंठ है हमारो, और हमारा मठ क्या है? बैकुंठ। मठ किसको कहते हैं? मठ का तात्पर्य है ज्ञान, यानी जिस को केंद्र बनाकर हमारा सब कुछ चलता है उसको मठ की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक दृष्टि देखें तो मठ यानी केंद्र की स्थापना इसलिए की गई थी कि कुछ विद्वान तपस्वी योगी यति वहां रहेंगे और सारे समाज में ज्ञान का प्रकाश करेंगे। दुर्भाग्य से इन मठों में खान पान रहन सहन रजोगुणी हो गया, त्याग तप का अभाव हो गया, और वहां होने वाले चढ़ावे ने सबको माया के बंधनों में फंसा दिया। जिन्होंने विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ी है उनको मालूम है कि उनके समय में बेलूर मठ कितना प्रसिद्ध था। यानी मठों से क्या फैलना चाहिए? ज्ञान। मंदिर का अर्थ क्या होता है? जिसमें निवास हो। अपने आराध्य की मूर्ति को मंदिरों में रखा जाता है, लेकिन हर व्यक्ति का हृदय मंदिर होता है जिसमें पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। एक मंदिर बनाएंगे, लाख करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ेंगे, फिर उस मंदिर की व्यवस्था के लिए ट्रस्टी बनाने पड़ते हैं, पुजारी महंत और कितने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन यदि ज्ञान की ज्योति फैल जाती है तो हर सबका दिल मंदिर बन जाए और सबके दिल में अखंड रूप से प्रीतम की छवि बसने लगे, यही अध्यात्म का सर्वोपरि स्वरूप है। सुमेर प्रदक्षिणा जान, और हम किसकी परिक्रमा करते हैं? सुमेरु पर्वत की। आप देखिए सुमेरु पर्वत क्या है, पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वास्तव में सोने का कोई पर्वत नहीं होता, हिमालय की बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुनहली आभा फैल जाती है, और इसलिए उस पर्वत को सुमेरु पर्वत के नाम से वर्णित किया गया है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैष्णव ने यह मान लिया कि हम सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करेंगे तो हमें हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेरु पर्वत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की साधना का स्थल रहा है। महेश्वर तंत्र में भी वर्णित है किसी सुमेरु पर्वत में लक्ष्मी जी ने तप किया था। पुराण संहिता में भी वर्णित है किसी सुमेरु पर्वत में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने ध्यानवस्थित होकर के अखंड योग माया में प्रवेश किया था। इसी की पवित्रता का ध्यान रखते हुए निम्बार्क मत के अनुयायी ये रामानुज मत के अनुयायियों ने इसकी परिक्रमा का ध्येय बनाया है। परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? अपने आराध्य के मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करना।
प्राचीन काल में देव परिक्रमा हुआ करती थी। देव परिक्रमा का तात्पर्य क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी के महान पुरुष के पास जाता था, आचार्य के पास, माता पिता के पास, तो परंपरा यह थी कि चारों तरफ उस के घूम करके तब चरणों में प्रणाम किया जाता था, उसके सम्मान के नायक के लिए कि आपकी गरिमा चारों दिशाओं में फैल रही है और मेरा हृदय आपके प्रति समर्पित है। धीरे धीरे पौराणिक युग में यह मान्यता समाप्त हो गई। चेतन माता पिता और आचार्य की कौन पूजा सत्कार करें, जड़ मूर्तियों की पूजा होने लगी और तब मंदिरों की परिक्रमा होने लगी। पौराणिकों ने इसको पहाड़ों की परिक्रमा में ले लिया कि हम सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। बीज मंत्र निराकार है और हमारे बीज मंत्र में मंत्र के मूल में क्या है? निराकार। अब ये मंत्र का विवाद हमारे समाज में बहुत है। एक विवाद खड़ा कर दिया गया है न चाहते हुए भी कि समाज का एक ही मंत्र होना चाहिए। मंत्र किसको कहते हैं? पहले ये बात ध्यान में रखिए, मननात मंत्र है, जिसका मनन किया जाए वो मंत्र है। मंत्र में आराध्य को केंद्र बिंदु रखकर उसकी उपासना के लिए कुछ शब्दों का समायोजन किया जाता है और वो मंत्र का रूप ले लेता है। जैसे शिव को मानने वाले क्या मंत्र जपेंगे? ओम नमः शिवाय। विष्णु को मानने वाले कौन सा मंत्र जपेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें विवाद की कोई बात नहीं होती। एक बात कही जाती है कि मंत्र एक ही होना चाहिए। अब ये जिस रामानुज मत की बात चल रही है उनके कई मंत्र हैं, ये क्या करेंगे? रामानुजाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, तीन तीन मंत्र मानते हैं। और इसी रामानुज मत से रामानंदी शाखा चली है जो स्वामी रामानंद ने स्थापित की, उसमें सीता रामाभ्यम नमः, हम हनुमते नमः, ये राम के, लक्ष्मण के, भरत के, न जाने कितने मंत्र बना लिए गए। इनमें कभी भी झगड़ा नहीं होता। और हमारे समाज में निज नाम श्रीकृष्ण जी होना चाहिए कि निज नाम श्री जी साहब होना चाहिए, इसी बात पर महाभारत छिड़ा हुआ है। जिसकी आस्था निज नाम श्रीकृष्ण जी को माने को हो, उससे निज नाम श्रीकृष्ण जी माने। जो परंपरावादी है, ब्रजराज के नाम को प्राथमिकता देते हैं, वो निज नाम श्रीकृष्ण जी माने। जो जागनी वाले स्वरूप को मानते हैं कि जागनी में अक्षरातीत प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुए हैं और हिंदुओं के लिए वो श्री जी हैं, कते परंपरा वालों के लिए साहिब जी हैं, तो निज नाम श्री जी साहब जी कहता है, तो इसमें क्या विवाद है? आस्था और लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। शब्दों की झोंक नोक झोंक में केवल लड़ते रहने से कोई भी लक्ष्य निर्धारित होने वाला नहीं है। और सारा समाज इसी में लड़ रहा है। लड़ने सच पूछा जाए तो इसको लड़ाया जा रहा है। जब बोध होगा कि हमारा संबंध अक्षरातीत से है, हाँ, जिसने प्राणनाथ की पहचान की वो धन धन होगा, क्योंकि उसने जागरी में आए हुए अक्षरातीत को पहचाना। जिसने प्राणनाथ जी से मुंह फेर कर केवल ब्रज रास वाले स्वरूप को माना, उसकी हंसी होगी कि तुमने जागरी में आए हुए अक्षरातीत को नहीं पहचाना। आपो पा उल्का भी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण नोसु काम पड़े जारे ते कंगन पहनी हुआत। जब प्रत्यक्ष हमारे सामने प्राणनाथ अक्षरातीत हैं, तो उनको छोड़कर उस ब्रह्मांड में जो लीला हुई, वो लीला तो युग माया में अभी भी चल रही है, लेकिन वो ब्रह्मांड तो नहीं है। लेकिन उस नाम को हम जबरन थोपते हैं कि अक्षरातीत को केवल कृष्ण नाम से ही कहा जाता है और किसी नाम से नहीं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। परब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनेकों नामों की कल्पना की जा सकती है। सच बात तो यह है कि वो किसी भी नाम की परिधि में नहीं आता। श्री कृष्ण नाम तन का नाम है, अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण नहीं है। तन का नाम मिहिराज है, तन का नाम श्री देवचंद्र है। हमने शरीर के नाम को ही प्राथमिकता दे दी। श्री जी गुणवाचक शब्द है। परब्रह्म के नाम हमेशा गुणात्मक भावात्मक रूप में रखे जा सकते हैं। शरीर मूलक नाम कभी भी परब्रह्म का नाम नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण जी द्वारिका में चले जाते हैं तब भी तो उनको कृष्ण जी कहा जाता है, मथुरा में चले जाते हैं तब भी उनको श्री कृष्ण जी कहा जाता है। यदि अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण होता तो ये नाम बदल जाता। इसलिए शरीर का नाम श्री कृष्ण है। जब अक्षरातीत का वैसे 11 साल 52 दिन तक लीला करता रहा तब तक वो ब्रह्म स्वरूप था, इसके बाद नहीं। मथुराधीश को अक्षरातीत नहीं कर सकते, द्वारकाधीश को अक्षरातीत नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त
1715 से पहले मिहिराज को किसी ने अक्षरातीत नहीं माना। सम्मत 1678 से भी पहले श्री देवचंद जी को किसी ने अक्षरातीत नहीं माना। जब अक्षरातीत का आवेश विराजमान होगा तब तो अक्षरातीत का स्वरूप है। हम शब्दों के लिए लड़ रहे हैं कि व्याकरण के अनुसार किस शब्द का अर्थ अक्षरातीत होता है, तो वेद में तो सैकड़ों हजारों शब्द मिल जाएंगे जिनका जिनका अर्थ परमात्मा प्रकटित होगा। इसलिए मंत्र का तात्पर्य यह होता है आराध्य को याद करने के लिए, चिंतन में लाने के लिए कुछ शब्दों का समायोजन जिसके द्वारा हम उनका चिंतन मनन कर सके मंत्र कहलाता है। मंत्र में मनन किया जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार तो केवल ध्यान से हो सकता है, मंत्र के जप से नहीं। वे उपनिषद, दर्शन, वेद कहीं भी माला के जप का विधान नहीं करते। योग दर्शन में कहा है तत् जपः तदर्थ भावनम्। परमात्मा के नाम का जप कैसे होना चाहिए? अर्थ की भावना से। अर्थ की भावना नहीं है तो एक सीडी में आप कोई भी गायत्री मंत्र या तारतम रिकॉर्ड कर दीजिए और 12 वर्षों तक दिन रात बजाते रहिए, तो क्या सीडी में अक्षरातीत को देख लेगी? आवाज तो उससे भी आ रही है। भावना होनी चाहिए कि हम इस शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं इसका भावात्मक अभिप्राय अक्षरातीत से जुड़ा है, अन्यथा कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए जब तक हृदय की भावनाओं के साथ जो जप किया जाता है वही कल्याणकारी होता है। नव सम ब्रह्ममान, और हम परमात्मा को आकाश के समान व्यापक मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, और हम क्षेत्र, क्षेत्र किसको कहते हैं? संपूर्ण भारत वर्ष की धरती कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उधर असम से लेकर सिंध तक धर्म पारायण रही है। इस भारत भूमि को अनेक धार्मिक क्षेत्रों में बांट लिया गया है जिसको क्षेत्र कहते हैं। जैसे बलिया को क्या कहते हैं? भृगु क्षेत्र। केरला को क्या कहते हैं? परशुराम क्षेत्र, यानी परशुराम जी ने उस क्षेत्र को प्राप्त किया था तप के द्वारा। नैमिषारण्य क्षेत्र ये सीतापुर जिले में पड़ता है जहां सभी ऋषि मुनियों का ज्ञान सत्र चला करता था। हजारों ऋषि मुनि वहां एकत्रित होते थे और ज्ञान विज्ञान की बातें किया करते थे। उसको नैमिषारण्य क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्होंने अपना क्षेत्र क्या कहा? पद्मनाभ जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र क्या है? पद्मनाभ है। मेलकोटा सुख विलास, और हमारे सुख विलास का स्थान क्या है? मेलकोटा। लक्ष्मी इष्ट अत गोप है, इष्ट किसको कहते हैं? इन्होंने कहा कि लक्ष्मी हमारी इष्ट है। आराध्य की अर्थांगिनी, जैसे शक्तिमान का आधार कौन है? शक्ति। सूर्य से उसकी तेजस्विता हटा दीजिए तो उसका तेज समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से विष्णु यदि हमारे आराध्य हैं तो विष्णु की अर्धांगिनी हमारी क्या होगी? इष्ट। ये पद्धति लक्ष्मी से चली, और इस पद्धति को चलाने वाली कौन है? स्वयं लक्ष्मी जी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है उन्होंने इस पद्धति को चलाया है। पद्धति बिन भ्रम आए, रामानुज मत के आचार्य कहते हैं कि श्री जी आप हमारी पद्धति को आपने स्मरण किया, ये पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है जबकि वास्तव में ये मिथ्या बात है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रकटन होता है। इस समय 28वां कलयुग चल रहा है, 8वां वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है। इसके पहले 7 मन्वंतर बीत चुके हैं और ये 8वें मन्वंतर में, यानी वैवस्वत मन्वंतर में 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर बीत चुके हैं और ये 28वां कलयुग चल रहा है। आप सोचेंगे कि वैष्णव मत चला है राजा भोज के 150 वर्षों बाद, यानी 1500 वर्षों से ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन इनके आचार्यों ने सोचा कि यदि हम लक्ष्मी जी का नाम लगा देंगे तो ये प्राचीन हो जाएगा कि सृष्टि के प्रारंभ से हमारा मत पंथ चल रहा है। ऐसी ही जनसाजी बहुत हुई है। हिंदुस्तानी मिलावट करने में माहिर होते हैं। इन्होंने सभी धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दिया, अपने आप ग्रंथ लिखा और उस पर ऋषि का नाम लिख दिया कि देखो इस ऋषि ने लिखा है। चाहे 18 पुराणों के उप पुराण सब व्यास जी के नाम से लिखे गए हैं, वास्तव में व्यास जी ने कोई भी पुराण नहीं लिखा है। व्यास जी के शिष्य हैं सुखदेव जी,
सुखदेव जी के शिष्य हैं सुत जी। सुत जी पुराणों की कथा कर रहे हैं। किसी भी पुराण में देखेंगे सुत का और सौनक का संवाद आता है, तो सुतवाच किसने लिखा? क्या व्यास जी सुतवाच लिखेंगे? व्यास जी अपने शिष्य के शिष्य से की वार्ता लिखेंगे? ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों के नाम से शूद्र को दबाया गया, स्त्री को दबाया गया, सबके साथ अत्याचार किया गया। पराश्री में एक श्लोक आता है, पतितो अपि द्विजा श्रेष्ठा न शूद्रा जितेंद्रिया। पतित द्विज भी श्रेष्ठ है और जितेंद्रिय शूद्र श्रेष्ठ नहीं है। इसी की नकल तुलसीदास जी की रामचरित मानस में भी मिलती है। पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी गुणों से रहित ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन कितना भी गुणवान शूद्र हो वो पूजनीय है। किसकी देन है? पौराणिक संस्कृति की देन है। वेद नहीं कहते, वेद के अनुसार जो गुण से श्रेष्ठ है वही ब्राह्मण है। शूद्र या ब्राह्मण गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं। शुद्ध ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शुद्ध हो सकता है। जो शाकाहारी है, परमात्मा का ध्यान करता है, उसको आज हिंदू समाज कहता है कि तू छोटी जात का है, और जो बड़ी जात का कहला रहा है, डेली सुअर खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, और रात को जगराते कर रहा है, तिलक लगाकर बैठ जाता है, सब लोग उसके चरण छूते हैं, कैसा अंधविश्वास। कबीर जी ने इन बातों का बहुत खंडन किया। कहते हैं, पाणे तू तो निपट कसाई, पत्थर की मूर्ति के आगे जाकर बकरों का बलि चढ़ा रहे हो और वहां मंत्र पढ़ रहे हो कि हम मंत्र पढ़ते हैं, कहां वेद में ऐसा लिखा है? कहने का तात्पर्य क्या है? हिंदू समाज राह से भटक चुका है, और भटकाव का एक ही कारण है, धर्म ग्रंथों की ज्ञान का न होना। जितना चढ़ावा मंदिरों में चढ़ रहा है, और वो रुपये का चढ़ावा हर साल चढ़ता है, और ये सब कुछ पानी में बह जाता है। यदि ये देश इस धनराशि को शिक्षा में खर्च करे, जगह जगह गुरुकुल बने, वेद पढ़ाए जाए, उपनिषद पढ़ाए जाए, दर्शन पढ़ाए जाए, प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ाई जाए, देखिए कल्पी सालों में इस देश का रूप कैसा बदल जाता है। जो धर्म के नाम पर आडंबर चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए शिक्षा चाहिए, और मनुष्य की श्रेष्ठता यही है कि उसमें शिक्षा है। सर्कस में तो जानवरों को भी सिखा करके चमत्कार दिखाया जा सकता है, लेकिन एक अंधविश्वास पैदा कर दिया गया है कि नहीं, धर्म का ज्ञान बहुत कठिन है, आप गृहस्थी हो आप ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन औसत देखा जाए तो गृहस्थों में एक से एक विद्वान है। जितने यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं या कई बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान वेद के विद्वान अभी भी गृहस्थों में ही पड़े हुए। किसी को भी शिक्षा दी जाए, जाति का बंधन नहीं, हर मानव को मानव की दृष्टि देखिए, धर्म की यही पुकार है। सबको ज्ञान का प्रकाश दीजिए, सबको प्रेम भक्ति की राह पर ले चलिए, यही धर्म का उपदेश है। श्री जी कहते हैं कि भाई आप लोगों ने तो सब कुछ माया के अंदर ही मान लिया। आप कहते हैं हमारा मठ वैकुंठ है, विष्णु भगवान हमारे आराध्य हैं, देव हैं, लक्ष्मी जी हमारे इष्ट हैं, हम सुमेरु की परिक्रमा करते हैं। तो धर्म ग्रंथों में तो कहा है, स्वप्न अवस्था विनाश स्यात् कुतो नारायण तथा। जब स्वप्न का विनाश हो जाएगा तो नारायण कहाँ रहेंगे? और नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु शिव बने हैं जिनकी भक्ति आप कर रहे हैं। जब महाप्रलय में 14 लोक अष्टावरण युक्त ये सारा ब्रह्मांड, 5 तत्व 3 गुण कुछ रहेंगे ही नहीं, तो वैकुंठ राह कहाँ रहेगा? फिर आपके इष्ट कहाँ रहेंगे? मुझे ये बात स्वीकार नहीं है, मुझे तो ये वो ज्ञान दीजिए कि जब महाप्रलय हो जाएगा तो हमारी मुक्ति का स्थान कहाँ रहेगा, हमारा जीव कहाँ रहेगा, मुझे अखंड का ज्ञान दीजिए। श्री जी के इस प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं है। अभी आप कल सुनेंगे किस तरह से निम्बार्क मत के अनुयायी आते हैं, माधवाचार्य मत के अनुयायी आते हैं, विष्णु स्वामी मत के अनुयायी आते हैं, 10 नाम सन्यासी आते हैं, 6 दर्शनों के आचार्य आते हैं, केवल एक प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं है, अखंड धाम कहाँ होगा? महाप्रलय के पश्चात हमारी मुक्ति का अखंड ठिकाना कहाँ होगा, ये कोई बता नहीं पाता। तारतम ज्ञान ही के द्वारा ही समझा जा सकता है अखंड क्या है। ऐसे हरिद्वार का सहस्त्रार्थ आपको नीरस लगता होगा, लेकिन
इसको जिसने समझ लिया उसने हिंदू धर्म के सार तत्व को समझ लिया और ये जान जाएगा कि तारतम्य ज्ञान की महिमा क्या है। आज पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कीजिए, सभी धार्मिक स्थानों में जाइए, धर्म के नाम पर एक दिखावा है, बड़े बड़े आलिशान मानो जैसे आश्रम, बड़े बड़े मंदिर और मठाधीशों की, बड़े बड़े महंतों की क्या चकाचौंध है, कितने अनुयायी हैं, जय जयकार लगा रहे होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां देखिए, लेकिन जब आप पूछिए सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, कौन है, उसको पाने का मार्ग क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, तो इन प्रश्नों का उत्तर वो बेझिझक नहीं दे सकते। उन्हें मौन रहना पड़ेगा या काम चलाओ उत्तर देना पड़ेगा, तब पता चलेगा खुदा पहाड़ निकली चुहिया, तब वास्तविक में बोध होगा कि तारतम्य वाणी की महिमा क्या है। ये तो हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमने तारतम्य वाणी को मंदिरों की चार दीवारी के कैद खाने में कैद किए रखा और खुद उनकी नकल करने लगे प्रवाहियों की, पौराणिक मान्यताओं की, हमने भी छूत छात का पिटारा खोला, हमने भी खीर पूरी भंडारे करना ही सब कुछ मान लिया, हमने भी जड़ पूजा को ही सब कुछ मान लिया, कलशों में अपना सारा ध्यान केंद्रित करने लगे, हमने भी वृक्षों की, खड़ाओं की, फोटो की और समाधि पूजन की परंपरा डाल ली, आत्मा के हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को नहीं पहचाना, बैठे मासूक इत जाहिर पर दिन न लगे इत, मासूक मुख देखन को हया लेना भी न दर्शक। मेरी बातें हो सकते हैं कड़वी लगे, लेकिन जिस दिन समाज ये समझ जाएगा कि हमारा लक्ष्य मूल स्वरूप है, हमारा लक्ष्य वाणी है और हमारा लक्ष्य आत्मा है, तो निश्चित रूप से हमारे समाज का इतिहास कुछ और होगा। अब चुपाई दे रही जग माहे की कही तुम, जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नाश, कहे पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, तो कहां जीव को वास, तो कहां जीव को वास।